ये कहानी है हिमाचल प्रदेश में बसे तीन परिवारों की, जिनके पूर्वज पीढ़ियों पहले शायद कभी यहाँ आए होंगे और फिर यहीं के होकर रह गए। इन परिवारों में सबसे पहला परिवार है नारायण महाजन का, उनकी पत्नी विमला, उनका बेटा महेश और उनकी बेटी अंजलि। तेज तर्रार, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत तो खैर आप देख ही रहे हैं। अपने मन की बात कहने और करने से कभी न डरने वाली बुआ जी, जिनका इस घर में बहुत मान है, सम्मान है और रुतबा तो खैर आप देखेंगे ही, जिनका कहा कभी टाला नहीं जाता। हाँ, ये बात अलग है कि इन आदरणीय बुआ जी की वजह से इस परिवार की सुकून भरी जिंदगी के तार हमारी कहानी के दूसरे परिवारों से बड़ी बुरी तरह उलझ जाते हैं। उन परिवारों में सबसे पहला परिवार है भूतपुर के शर्मा जी का। यूं तो शर्मा जी इकलौती बस के इकलौते मालिक हैं, लेकिन मन में सपना संजोए हैं कि कभी वो कई बसों के मालिक होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि दुनिया भर में चल रही मंदी की मार इन पर भी पड़ी है, मगर मंदी की मार की चोट शर्मा जी पर शायद उतनी कभी नहीं पड़ी जितनी चोट उनके सीने पर विराट की लापरवाही की वजह से पड़ी है। वो बेटा जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सेंचुरी, ओ मेरे पाई, दे हाई फाइव। और क्या होता भाई, दे दे उसे। अरे का है बॉटल का, मैं चिका दूंगा तेरी पाई। पाई यार, चार बॉटल हो गई, घर जाना यार। बलवंत अंकल। ओ विराट जी, अंकल कैसे हैं? अंकल जी क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। ओ तू मेरा फोन नहीं उठाता आजकल जी, की हो गया जी? कुछ नहीं। ओ क्या है तेरे? कुछ नहीं अंकल जी, कुछ नहीं है। शराब पी है तूने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा हमारे इधर ना एक कहावत है, जब बेटे को बाप की जूती पूरी आने लग जाए ना जी, तो फिर दोस्त बन जाते हैं जी। ठीक है, तू शर्मे का हाथ बटाया कर जी, सियाणा बन। ठीक है, और ये शराब और जुआ जी कभी किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। ठीक है जी, चल अपना ध्यान रख। ठीक है, ये शराब और जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। का शराब लाओ चाचा। मगर कन्हैया, व्हाट कन्हैया शर्मा भैया, हम सोचो यार, इसके आना तुम्हारे चक्कर में जो है ना पराठा बनना बंद हो गया। बोलना कब दिया था लास्ट? जनवरी लास्ट में देना था पैसा। बताओ, 8 महीने से ज्यादा हो गए। अबे असली छोड़, ब्याज भी दे दिया होता, अब क्या करें इनका? डर क्या बोल रहा है ये? कह रहा है अपना बस पा हमें दे दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, मर जाऊंगा मैं। यार कन्हैया तू मेरा दोस्त है, अरे तुम्हें ब्याज देता तो रहा हूँ मैं, बस मंदी थी थोड़ी इसलिए नहीं दे पाया। 1 महीने की मोहलत दे दो। ये एक महीना करके दस्त हो जाएगा मुझे। अच्छा 1 महीना तू दोस्त है, दे निकाल, तू 1 साल का मोहलत दे रहे हैं। ये ले, इस पे साइन कर दियो जरा। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, बस इस पे लिखा है कि तुमने अगर साल भर के अंदर पैसे नहीं दिए तो ये घर और बस पां हमारा हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अरे तुम्हें बैंक से ज्यादा पैसे देता रहा हूँ मैं, मेरे पे नहीं कम से कम मेरे बेटे पे तो रहम करो, हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अबे इनका गाना सुनोगे तो कभी इनका कीर्तन खत्म नहीं होगा, अपने धंधे की बात लग जाएगी। चलो उठो, चलो लाओ दो। क्या लाओ दो? मैं करता हूँ भाई, असली घी के बने हो तुम। क्या लेके आयो, क्या लेके जाओ? चलो मोहर भी लग गया, चलो ठीक है बेटा। ये है कन्हैया लाल जी। आया भैया करो। नहीं, इनके मूड पर मत जाइएगा, ये ऐसे ही है, लड़े किसी से नहीं है पर लगते हैं लड़े। पूजा अर्चना के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल रात शंकर जी आप सपने में आए थे, कह रहे थे दिन अच्छा आने वाले कन्हैया लाल जी, बस ऐसे ही दिन अच्छा रखो माँ। हरे राम 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 हरे हरे, आपको नमस्कार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम। चलो जी सब ठीक रखना है, हरे राम हरे राम राम। लक्ष्मी जी भूल गया। लक्ष्मी जी बुरा मत मानना, देखो मैं मतलब बिजी आदमी हूँ, मतलब मैं कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं, मतलब आप मुझे मत भूलना, मैं भले ही आपको भूल जाऊँ। लक्ष्मी जी माँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
ए भूतनी के, भूतनी के। अब आज कल 20 रुपए दिए थे रिक्शा वाले को, लिया कि नहीं लिया? कन्हैया लाल जी नंदलाल जी के छोटे भाई, हमारी कहानी के तीसरे परिवार के मुखिया, कालागढ़ के गुप्ता। नंदलाल जी तो बेचारे गऊ हैं, गऊ गाय, खुश मिजाज, भोले भाले, बस एक ही ऐब है, बड़े पेटू हैं, हाथ और मुंह पर बिल्कुल काबू नहीं। क्या करें, ये निर्मला नंदलाल जी की बीवी और इन दोनों की आंखों का तारा है इनका इकलौता बेटा बांके। 35 की उम्र हो चली है लेकिन हैं कुंवारे, हैं तो हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये तो बांके कामदेव की पूजा कर रहा है भैया, ताकि जल्द से जल्द एक खूबसूरत कन्या इनके जीवन में जीवन साथी बनकर आए। शादी में अड़चन क्यों है, अब इसका पता आपको बहुत जल्दी चली जाएगा। कामदेव की पूजा करते हुए बांके को आज हो गए पूरे 100 दिन, नहीं नहीं 100। निर्मला, निर्मला कुछ खाने को तो जल्दी से, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह 4 मूली के पराठों के। रात में रखी थी ना दही कढ़ी के लिए, फेंकने के लिए, सारी दही खा गए। अरे नहीं है तुम, मैं क्या करूं? खाने के अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझता है। आपको मालूम है अभी पंडित जी आने वाले हैं। एक और पंडित? अरे पार्वती भाभी ने बताया कि शहर के नामी ज्ञानी पंडित जी है, अपने बाके के लिए जरूर कोई अच्छा सा उपाय बताएंगे और अपने बाके की शादी हो जाएगी। अरे कितने पंडित आएंगे इस घर में। लो, अबे भैया नौटंकी क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया? क्या? क्या? मम्मी जी 101 दिन कामदेव की पूजा पूरी हो गई है, अब तो मेरी शादी हो जाएगी ना। अरे ना सुन, 101 दिन पूरे कर लिए क्या? जी जी। बड़ा ढीठ लौंडा है, जो ठानता है वही करता है, आप पर गया बिल्कुल भाभी जी। सच कह रहे। वाह बेटा वाह। अच्छा बेटा पंडित जी आ रहे हैं, तुम इसी अवतार में रहोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी मेहनत पंडित जी को दिखाना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे रहूंगा। नाराज मुनि लग रहा है एकदम। अरे अरे वो देखो आ गए पंडित जी, आ गए पंडित जी, आ गए। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए, जय हो जयमान, जय बैठिए बैठिए। अब भूतनी के। कौन मैं? नहीं मैं भूतनी के। अच्छा मिठाई ले आ जाके। चिरंजीवी भव। पंडित जी ये मेरे बेटे की कुंडली है, जरा देखिए। अवश्य अवश्य बेटा, मेरे बच्चे की कुंडली। वक्र तुंड महाकाय मिठाई ले, संस्कृत बोल रहे हैं। समप्रभा निर्विघ्नम कुर मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अच्छे अच्छे लग रहे हैं। नमः नमः। शाय नमः। किसकी कुंडली है? मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। अच्छा जल्दी जल्दी बता पंडित जी कब होगी मेरी शादी? इनका इकलौता बेटा है, 101 बार किया है कामदेव की पूजा, दिख रहा है, दिख रहा है, धन संपत्ति बहुत है। वो तो है, एकदम एकदम सही बोला। अच्छा है, माँ बाप का भी बहुत स्नेह है। स्नेह तो है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी। शनि सप्तम भाव में है। एकदम सही बोला। अच्छा है ना जी। हाँ हाँ आगे बताइए, फिर खाइए। राहु और केतु की दृष्टि है। हाँ अच्छा है ना। और बृहस्पति भी जन्म के समय वक्री था। हाँ वो याद था। ऐसे जातक को तो कदापि विवाह नहीं करना चाहिए, बहुत भारी दोष है भाई, कलेश है भाई शादी में। भूतनी की हटा मिठाई है। क्या पंडित जी काहे का दोष? शास्त्रों में लिखा है। ना 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 ना, ना। कोई संभावना तो निकालो। शास्त्रों में लिखा है भाई, अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ की वो देखो कैसे पागल हो गया। बच्चे बांके 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 मेरे बच्चे। करते हैं उपाय पंडित जी, कुछ कीजिए। कैसे पागल हो गया पंडित जी, ऐसे कैसे चलेगा? इकलौता बेटा है, मैंने शादी की नहीं, इसकी शादी हो नहीं रही तो वंश कैसे बढ़ेगा? इतना बड़ा खानदान, इतना पैसा वैसा तो कहाँ घुसाएंगे? एक दिन के बाद कोई मम्मी मेरी कोई शादी नहीं चाहता। आप इसमें देख के बताओ। कुंडली है, कुंडली। लल्लन भैया, लल्लन भैया। हाँ
काएगा मातम काए छाया भाई। मातम तो पंडित ने बना दिया भैया। काए कह रहा है हमारी कुंडली में दोष ही दोष है, ये शादी नहीं हो सकती। काए काए नहीं हो सकती भाई, बताओ काए नहीं हो सकती रे। सारा लौंडा लौंडे से शादी कर रहा है, लौंडिया से शादी नहीं कर सकता, का 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 प्रॉब्लम? हम थोड़ी कह रहे हैं जजमान। तो कौन कह रहा है? ये कुंडली कह रही है। कुंडली कह रही है, का कह रही है कुंडली? दोष है, भारी दोष है। दोष तो बेटा तुम्हारी कुंडली में चालू होने वाला, जान रहे हो, समझ रहे हो तुम? भैया जी कह रहे, अरे आपने बोला था ना कालू को गोली मारने, उसको गोली मार दिया है। साला गोली का है मारती, ईंट से मारना था ना, इतनी महंगाई में साला गोली से मार दिया। देखो कोई उपाय है। देख रहे जजमान, देख रहे, देखो जल्दी, नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ लग रहा है? हाँ होगा होगा, शास्त्री पड़े हैं, कई है, विधान तो है। जजमान एक उपाय है, देखिए ऐसे लगन का शास्त्रों में विधान है। अच्छा, लेकिन रहने दीजिए जजमान, आजकल गैर कानूनी है। आप उपाय बताइए, कानून हम संभाल लेंगे। देखिए जजमान, शास्त्रों में ऐसे लगन का विधान है, दूल्हे का स्थान कोई और ले लेता है, मतलब दूल्हे की जगह कोई और जाता है, विवाह करता है और लड़की को विदा करा के घर ले आता है। विदा के बाद दुल्हन तो घर पर ही रह जाती है और वो व्यक्ति कहीं चला जाता है और दुल्हन रह जाती है अपने असली दूल्हे के साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय का बोल रहा है भैया जी? प्रॉक्सी वेडिंग की बात कर रहे हैं ससुरा। अरे भैया जी हम समझ गए, याद है मैट्रिक की परीक्षा में आपकी जगह कौन बैठा था? लालू सिंह। लेकिन फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट किसको मिला था? हाँ उसी तरीके से वो दूसरा लड़का सारा रस्मों रिवाज करेगा, लेकिन दुल्हनिया ले जाएंगे अपने बाके भैया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। काय नहीं, नहीं चाचा, काय नहीं, काय नहीं, लड़का को आना मर जाएगा का? ये तो उस लड़की के साथ सरासर धोखा होगा। आप चुप रहिए जी। करैया बहुत कन्हैया बड़े भैया, ठीक ही तो कह रही है। धोखा कौन कर रहा है लड़की के साथ? हम तो उपकार कर रहे हैं, उपकार। यहाँ आएगी रहेगी, कभी छम यहाँ कभी छम वहाँ, क्यों पंडित जी? लड़का पैसे वाला है, माता पिता का बहुत प्रेम है। देखिए पंडित, अब तुमको ही एक नकली दूल्हा किराए का और दुल्हन का इंतजाम करना है, जान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जरूर जजवान, जजवान, जजवान। हैप्पी हो, ठीक है? चलिए पंडित, आपको आपके घर तक छोड़ाते हैं। मैं चले जाऊंगा जजवान। नहीं नहीं जजवान, मुझे इस्तेमाल में जजवान। अरे नहीं नहीं, आइए आइए। माफ कीजिए, एक भूल सुधारने का मौका दीजिए प्लीज। शुरुआत में हमने आपसे जिक्र किया था कि ये तीन परिवारों की कहानी है, लेकिन दरअसल ये साढ़े तीन परिवारों की कहानी है। लल्लन भैया जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को तो भूल ही गए हम। अरे भाई ऑफिशियल ट्रबल शूटर हैं इस जगह के, किसी भी किस्म की समस्या हो लल्लन भैया के होते हुए चुटकियों में सुलझ जाता मामला। ये बांके के बड़े भाई समान एकदम गहरे मित्र हैं, मतलब डीप फ्रेंड। यस आएंगी वो। आइए पंडित जी। आयुष्मान भव। नमस्कार जी, नमस्कार। अबे भूतनी के। हाँ जी, ए, इनके घर के नौकर का नाम है। आ जाओ जी, ले आओ चाय पानी लाओ। बताइए आने का प्रयोजन? जीते रहो, खूब जीते रहो। खुशो खुशो खुशो, बहुत ही नेक और संस्कारी बच्चा है। लग रहा है जी ये है लक्ष्मी बहन। नमस्ते, लड़की का रिश्ता यही लाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है राजेश जी। नमस्ते। मेरी बेटी है ना किरण। हाँ 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 हाँ। उसका ट्यूशन टीचर। बताओ इतना छोटा सा लौंडा ट्यूशन टीचर हो गया और ये अपना? कोई बात नहीं, ये बनेंगे किराए के दूल्हा। अच्छा अच्छा। 1,00,000 रुपए लेंगे। 1,00,000 और मेरी दक्षिणा अलग से। क्या बोलते हो कन्हैया? क्यों बेटा, बनोगे ना किराए के दूल्हा? जी डेफिनेटली बनेंगे, 1,00,000 रुपीज मिलेगा तो क्यों नहीं, जरूर करेंगे। अरे बेटा मिलेंगे कब? अभी तो शादी का कार्ड भी नहीं छपा ना, काम खत्म होने के बाद, शादी होने के बाद मिलेंगे ना। जस्ट सेइंग अंकल जी। आप पहले लड़की तो पसंद कर लीजिए। फोटो फोटो लाए? फोटो लाए बोल रहे? लाए लाए लाए। ये फोटो यहाँ है बेटा, दिखाइए ना जी। अरे देखना क्या है, कितनी तो सुंदर है मम्मी, तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, ये तो बहुत मुझे प्यार भी हो गया है। मैं ना दिखाओ मुझे, हमको भी कुछ दिखाओ। मम्मी पसंद आ गई उसे। एक मिनट, क्या हुआ पंडित जी? उम्र क्या बताई आपने लड़की की?
मात्र 23 साल जी। नहीं 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 नहीं, फिर तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों भाई? देखिए मेरा बेटा 35 साल का है, लड़की 23 साल की है, 12 साल का अंतर है, ये शादी कैसे हो सकती है? ये शादी हर किस नहीं हो सकती। आप चुप रहिए, बांकी को लड़की पसंद है ना? ना ना। तो बस आप बात आगे बढ़ाइए। अरे पर कन्हैया, व्हाट कन्हैया बड़े भैया, उम्र की चादर ओढ़ोगे बिछाओगे दोनों में फिट भी नहीं आओगे। पंडित जी जय जजमान, जय जजमान। देखिए आप सब बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बात पक्की ही समझिए, बस लड़की की बुआ एक बार आएगी, आप सबसे मिल लेगी, बस उनको ही संभालना है। मुबारक हो। जय हो, जय हो। ये कैसा है? बहुत अच्छा है, सुंदर है ना? वाह, ये ले लो अंकल, ये अच्छा है, ये मुझे चाहिए, घर भेज दीजिएगा। मैं भी वही देख रही थी, है ना? देख, बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। हाँ अंकल, ये भी। हाँ चलिए अंकल, नमस्ते। नमस्ते। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस अंजलि मेरी हो जाए। पंडित जी, प्रसाद, अब शगुन होगी, अब शगुन होगी। मजा आया लेकिन। हाँ हाँ अंजलि। यस बोल। ये अचानक गहने देखने का क्या चक्कर है? मुझे तो लगता है तेरे घर में तेरी शादी की तैयारी चल रही है। पागल, मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती है, मम्मी को चाहिए होंगे, मम्मी ने बोला था देख लो तो मैंने देख लिया। हाँ मगर इतने एक्सपेंसिव, वो भी इतने सारे सेट, तो मैं बस सोच रही थी कि शायद एक्सपेंसिव है पर सुंदर भी तो है। झुमका देखा ना, कितना प्यारा था। हाय बेबी डॉल सोने दी, किधर को जा रही हो? बहुत जोर से मार गया? नहीं जोर से नहीं, ठीक है। क्या खानदान है भैया, धनी है, गुनी है, संस्कारवान लोग हैं, और सबसे बड़ी बात क्या आदर सत्कार की परंपरा है। अच्छा, अरे लड़के वाले होके आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? अरे बुआ जी, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? बुआ हैं आप, बड़ी हैं आप। वैसे भी हमारे परिवार में सिखाया गया है बड़ों के पैर छुआ करो, अच्छे संस्कार। भाई भाई साहब बिल्कुल ठीक, चलो भाई पांव छुओ। कौन मैं? कन्हैया बड़े भैया। राजेश बाके बेटा, बुआ जी के पांव छुओ। हां बेटा, लेकिन चाचा जी पैसे। अरे ऐसे कैसे पैसे, समोसे वाले को दे देना ना। बुआ ये पैर तो छूना पड़ेगा, पैर तो छूने में। हाँ ऐसे ऐसे बेटा, झुक के समोसे की पैसे की बात करा ना धान बालक। खुश रहो, अब आप मुंह तो मीठा कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को जी। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, ऐसा लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा। बुआ जी कब आए आप? बस बेटा अभी आई हूँ। और सुन, हाँ तेरी शादी तय हो गई है, अब तेरा घर से बाहर आना जाना बंद, समझी? शादी तय हो गई है मतलब? आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? ये कैसी बात है, ना मैंने लड़के को देखा है, ना मैं ये जानती हूँ वो करता क्या है। आपने आपने मेरी शादी तय कर दी बुआ जी। लड़का मैंने देखा है, अच्छे खासे खानदान का है, खाते पीते घर का है, और सबसे बड़ी बात वो तुझे खुश रखेगा। और क्या देखना समझना चाहिए लड़की के माँ बाप को? माँ आप दोनों ने भी हाँ कर दी है। हाँ बेटा, पर अंजलि ये क्या बदतमीजी है, समझाओ जरा उसको। मैं समझाती हूँ उससे, मैं बात करती हूँ। अंजलि तू भी जा। अंजलि बेटा, अंजलि। नमस्ते पायला बुआ जी। खुश रहो। अंजलि बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। तू ये बता, बुआ जी कोई पराई है क्या हमारे लिए? उन्होंने जब भी सोचा है हमारे घर की भलाई के लिए सोचा है। और एक बात बता, तेरे लिए रिश्ता ढूंढने में उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? तू अच्छे घर चली जाए, अच्छे घर सेटल हो जाए, वो भी तो यही चाहते हैं ना बेटा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया।
लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, इसीलिए तो उन्होंने सोचा होगा ना। माँ, मैं कभी लड़के से मिली नहीं हूँ, ना कभी उसको देखा है, ना उसका नाम जानती हूँ मैं। लड़के का नाम बाके है। बाके? ये कोई नाम है? बाके? नाम से ही गवार लगता है माँ। बाके नाम में क्या बुराई है? तुझे मालूम भी है, भगवान कृष्ण का नाम है बाके बिहारी। और तू एक बार फोटो तो देख ले लड़के की। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को। बिल्कुल सही किया। अरे इतना तो बुआ जी को समझना चाहिए कि जिस लड़के को तुमने देखा तक नहीं, उससे शादी कैसे कर सकती हो? बल्कि जिससे तुम एक बार भी मिली हो ना, उससे भी कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे शहर का हो और जिसे तुम बचपन से जानती हो। बचपन से मेरा ना दिमाग बहुत खराब है, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। ठीक है, मगर मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूरी है। ठीक है। शबीर, ये क्या बात हुई? तुम हर दो चार दिन के बाद बीमार पड़ने लगे? अब इतने शॉर्ट नोटिस में कहां से लाऊं? कहां से लाऊंगा मैं दूसरा ड्राइवर? अरे समझो बात को, शादियों का सीजन चल रहा है और ऊपर से कन्हैया लाल जी, तुम तो जानते हो ना कन्हैया लाल जी को, उनके भतीजे की शादी है, बारात जानी है प्रागपुर। अगर टाइम पे बारात ना पहुंची तो कन्हैया लाल जी हमारी गाड़ी नीलाम कर देंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। पापा एक मिनट, मैं सोच रहा था कि प्रागपुर कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है, तो बस मैं ही ड्राइव कर लेता हूँ, आप चाबी मुझे दीजिए। बेटा मगर तुम राजेश अब तक क्यों नहीं आया है? फोन लगा रहा हूँ। अरे सब लोग तैयार है, लगता है बाहर बस आ गई है भाई। अरे लल्लन कहाँ है? देखो तुम लोग लल्लन के दाया बाया हो, चलता है उसको बोलो संभाल ले ठीक से। हाँ हाँ भाई, कौन जाएगा, किसकी बारात है? अरे ये बस तुम लेकर आए हो बेटा? लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं है, मुझे लगता है, लेकिन वो ड्राइवर की तबीयत खराब थी इसलिए लेके आया हूँ। तुम चला लोगे ना? आप बैठोगे तब तो चलाऊंगा। चलो भाई बैठो बैठो सब लोग, चलो बैठो, चलिए चलिए चलिए, चलो भाई चलो बस आगे बैठ जाओ। हेलो राजुद्दीन, अबे तोरी दुकान पर भी नहीं है राजेश? क्या हुआ? राजेश अब नाई क्या भी नहीं है, गायब हो गया। कहाँ गायब? राजेश कहीं नहीं मिल रहा है। क्या रो रहा, पंडित को पकड़। कहाँ है राजेश? उससे बुलाओ ना, बराती लोग बस पे चढ़ चुके हैं, बुलाओ ना उसको। लगा तो रहा हूँ फोन में, स्विच ऑफ आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? ये सब लल्लन क्या? लल्लन भैया, लल्लन भैया। हाँ हेलो, गायब कहाँ हो? फोन लगाए हैं, नहीं मिल रहा। अरे कामर, धोती उतरा ना तुम्हारी अभी, है? स्विच ऑफ बता, क्या हुआ क्या हुआ ये बताओ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके आगे बताइए। एक मिनट, क्या हुआ? आप लोग बारात लेके छोटू के ढाबे मिलिए, मैं उस उल्लू के पट्टे को पकड़ के लाता हूं। अरे तुम अकेले कहां से कर पाओगे यार? इस काबिल तो मैं हूं। लेकिन लगाओ फोन, लगाओ। लेकिन पागल संभाल के बेटा। भाभी आप लिपस्टिक ही लगाते रहो। हाँ जा रही हूँ। बैठ बैठ के चर्बी बढ़ गया इन लोगों का। राजेश तू बस में चल। वहाँ अबे ऊपर तो नहीं है? राजेश गायब हो गया यार। चलो अंदर, चलो अभी, चलो बैठो अभी। भैया ये कौन आ गया? फूफा जी। कौन हो? अरे फूफा जी। अबे धोबी हो, कौन हो? अरे अपने गिरधारी लाल जी का बेटा, रिश्ते में दूर का दामाद है ये। ये पापा कहाँ है? पापा तो चल बसे, भगवान को कुरियर हो गए।
फूफा जी हमको अपॉइंट किया गया इस शादी में, फिर भी हम आए। कार्ड नहीं दिया गया हमको। हाँ, जानबूझ के नहीं दिया हमने। नहीं ठीक है, हम फिर भी आए ना, फर्ज निभाए ना। आगे तो बैठो ना फिर। अच्छा फूफा जी, सिगन जी का व्यवस्था है कि नहीं? पहले अबे भूतनी के कौन हम नहीं है, लेके जाए इनको। शिकंजी पियेंगे अभी, बैठ बैठ पिलाएंगे शिकंजी, खूब पिलाएंगे। कहां से आ गया ये? एक नंबर का चपड़ गंजू है, पूरी शादी में गड़बड़ कर देगा, संभालना पड़ेगा कन्हैया। अब तो भगवान ही मालिक है इस शादी का, एक तो राजेश गायब, ऊपर से बैठोगे? राजेश ऊपर तो नहीं है बेटा। चलो चलो चलो, एक सीट खाली रखना, ढाबे पे चलना है। आ जाओ। रेडी में कुछ है क्या? बढ़िया जगह है। हाँ छोटू, समोसे फ्रेश है ना? हाँ साहब फ्रेश है। इससे बड़ा लहका ढम नहीं देखे कभी। और सुना बोला? नहीं नहीं तुमसे नहीं, तुमसे नहीं। बोलो सबको फटाफट करें। अरे बैठ क्या रहा है? अरे फूफा फटाफट से काम नहीं चलेगा। एक बात बताइए, जमाए का कोई वैल्यू होता है कि नहीं? आए अरे हमको पिछला सीट पे बिठा दिया महाराज। अरे अगले स्टेशन पे बैठ जाइएगा, ड्राइवर का सीट पर। ऐसा दूसरा ऑप्शन सोचो। किस बारे में? दूल्हे के बारे में। अरे बांके गया है, लतियाते हुए लाएगा अभी, देखना। बांके गया है? हाँ देखना, बांके का तुम लल्लन जान जाओ, बारात खाली हाथ नहीं लौटेगा, लड़की लेके ही लौटेगा। ऐसा तुम सोच रहे हो दिमाग में? क्या हुआ ऐसे, क्यों कोई मारा क्या? क्या क्या हुआ बे? क्या हुआ? पता नहीं क्या 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 कर रहे हो तुम? पंडित जी याद रखना, पंडित तुम्हारी बेटी की मांग में सिंदूर माला पढ़ने से पहले अगर हमारी बरमाला नहीं पड़ी तो तुम समझ लेना। क्या हुआ क्या हुआ जज्बा? ये सब सिखाते हो? यही तुमने संस्कार सिखाया अपनी बेटी को? हुआ क्या बोल तो सही, हुआ क्या? नौटंकी साले। लेकिन अभी क्या भैया, भाग गई? इसकी बेटी भाग गई? अरे बाकी की बात बताओ, इसकी बेटी भाग गई तो भाई तुम क्यों रो रहे हो भाई? अरे इसकी बेटी अपने किराए के दूल्हे राजेश के साथ भाग गई। अरे अरे फूफा एक बात बताइए, इसका कोई रिलेशन था क्या उसके साथ में? हमको किसी ने बताया? अरे हमको किसी ने बताया नहीं भाई। सब ठीक हो जाएगा। अरे पंडित का है, का है? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत जोड़ो। अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, बेटी का मामला है, मुझे बस स्टैंड तक छुड़वा दीजिए। अरे पंडित जी आप अकेले कहाँ जाएंगे, हम भी वापस ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। अब लड़का तो भागी गया ना, तो फायदा क्या है बारात लेके जाने? देखिए नंदलाल जी, वो लफंग का पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ ले जाएगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शादी होना जरूरी नहीं। अरे क्या कर रहे हो? शादी होना जरूरी नहीं। अरे शादी होना जरूरी नहीं। देखिए मैं अपना असिस्टेंट छोड़ जाता हूँ, वो बहुत सारी शादियां करवा चुका है, मुझे जाने दीजिए, बेटी का मामला है। ये रोते रोते क्या करवाएगा? अब जाइए पंडित जी, जाइए। अरे उठो उठो, बाल के ले जाओ, ये सदमे में है, ले जाओ। भाग जाऊंगी तो पता चलेगा बुआ जी को शादी कराने का शौक है। क्या आप लोग बारात में है कि मातम में? यार चार घंटे से सर पे हाथ रख के बैठे हो, मैं अपनी बस लेकर जा रहा हूँ। अबे रोक रोक। क्या? नहीं। अरे सुनो बेटा, ए बेटा। हाँ बोलिए। बैठो पांच मिनट, इधर देखो। हाँ भाई साहब, राजेश ऐसा नहीं दिख रहा। कौन राजेश? है कोई? है कोई? नहीं नहीं, दूर दूर से नहीं है। क्या बात करते तुम? नहीं यार लौट लोगो, आप चश्मा लगा के देखो, मोटा वाला सेट, सेम टू सेम। नहीं 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 कन्हैया, बिल्कुल नहीं। अरे तेल टाइप बाल कर दो, 100% दिखेगा, ध्यान से देखो। कोई नहीं चाचा, यही राजेश है, यही राजेश है ना? है। देखा भगवान होता है, तुम
जरूर दुल्हन लेके आओ। अरे बेटा जरा आना उधर। क्या? आओ आओ थोड़ा जल्दी करो। एकदम 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 आओ तो सही। देख लो चाचा कुछ कह रहा था। अरे काहे छोड़ जा, छोड़ जा। अरे जानकारी, अरे जानकारी तो चाहिए ना भाई। फालतू काम मत कीजिए। एक दिन के लिए 1,00,000 रुपया मिलेगा, करोगे काम? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अब देख ही लियो यहाँ पर जो रायता फैल चुका है। बाकी का जो दूसरा दूल्हा था ना राजेश, भाग गया है। तो 2 दिन के लिए मेरे भाई सुन, इधर मेरी तरफ देखना, 2 दिन के लिए दूल्हा बन जा भाई, 2 दिन के लिए। अरे चाचा सटिया गए हो? 1,00,000? नहीं पागल हो गए हो क्या? 2,00,000? मैं बस घुमाकर यूटर्न मार के निकलता हूँ, कोई और लौंडा पकड़ लेना। पिताजी का कर्जा? अरे तुम क्या है? पिताजी की बात तो, पिताजी का कर्जा माफ कर देंगे, 25%। 25%? 2,50,000 कर्जा माफ कर दिया चाचा जी ने? सोचो ए, तुमसे दूल्हा बनने के लिए बोल रहे, कोई घोड़ी चढ़ने के लिए थोड़ी बोल रहे। मेरा काम हो जाएगा, समझो। बोलो बोलो। इन सालों से पापा का बदला तो लेना ही चाहिए। क्या क्या सोचने लग गए? ठीक है, चलो इसके कपड़े उतारो। मतलब क्या? अब इसका राजेश जैसा हुलिया बनाओ। मैं हुलिया नहीं बदलने वाला। अबे 2,50,000 दे रहे हैं। जैसा आया था वैसे चलूंगा, ठीक है? चार निकलता हूँ, फिर किसी और को पकड़ लो। जो तुम्हारी मर्जी हो पहनो, हमें कोई समस्या नहीं है। और हेलो, क्या कौन चलाएगा? क्या बस पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई कौन चलाएगा? बस वही पूछ रहा हूँ कौन चलाएगा, मैं तो दूल्हा हूँ ना। अतुल बस चला ले तो। अरे हम कहां, क्या बात कर रहे हो, दरभंगा से लेकर के छपरा तक बस चलाए, बोला नहीं चला अच्छा, पाएंगे। चलाओगे तुम ही चलाओगे, चलाओगे चलाओगे तुम। ए ठोक मत देना यार। नहीं 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 चला के ले, आप चिंता मत करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी 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 सुन, तू यार मुझे अच्छा इंसान लग रहा है, सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए ना, ठीक है? सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। खाली शादी करना, मेरी दुल्हन को छूना मत। मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू। अब बारात चल रहे सब लोग, आजा आजा आजा। क्या पहनाया ये? लाओ लाओ, मैं पहना दूंगा ना, तुम आओ तो। हाँ पहन रहा हूँ। हाँ भाई एक बात है, भाइयों बहनों चाचा चाची मौसा मौसी सब लोग, बच्चा बच्चियों, हाँ खोल के रखना मुंह बंद। लौंडे की शादी हो जाने दो, आप ही से कह रहा हूँ, लौंडे की शादी हो जाने दो, चांदी बांटूंगा सबको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अतुल गाड़ी चला। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसा संजोग है, रहना बच्चे के जरा लाइलाज रोग है, आड़ी टेढ़ी चाल है, कमीना ख्याल है, सोच के पतीले में काली पूरी दाल है, आगे आगे देखिए ये तो शुरुआत है, ऐसी वैसी नहीं ये बाकी की बारात है। क्या कर रही है? भाग रही हूँ, बताया तो था तुम्हें। सारे मेहमान और रिश्तेदार आ चुके हैं, बारात भी आने ही वाली होगी, ऐसे टाइम पर भागेगी तो तेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी। जहाँ जहाँ जाएंगे लोग ताने मारेंगे उन्हें। वो जा रहे महाजन जी, वही जिनकी बेटी शादी के मंडप से भाग गई थी। अरे यार तो तुम क्या चाहती हो, मैं गाय के जैसे खूंटे पे बन जाऊं? उन्होंने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया, बस मैं उससे चुपचाप शादी कर लूं? नहीं मैंने ऐसा कहा क्या, शादी से पहले एक बार मिल तो ले उस लड़के से, पसंद आया तो ठीक है शादी कर लेना, अगर नहीं आया तो बैग तो तैयार ही है तेरा, भाग जाना ठीक है। ठीक है, पर लड़के से मिलवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मंजूर है, चल। बाहर गुस्सा झूठा दिल तो गार्डन गार्डन है, लड़का ढीला ढाला बेबी मॉडर्न मॉडर्न है, बाहर गुस्सा झूठा दिल तो गार्डन गार्डन है,
लड़का ढीला ढाला बेबी मॉडर्न मॉडर्न है ओ बेबी मॉडर्न मॉडर्न है ओ मस्ती के रंग चढ़ जाने दे शादी के घर हल्ला मचाने दे बुआ की नजरें करारी है एक अकेली सब पे भारी है जादू की जप्पी ले ले बिन पूछे पप्पी ले ले जो होगा देखा जाएगा लगाओ यूं ही ना बैठो खाना चुगाओ उसका तड़का लगा माहौल स्पाइसी बना झूमे सभी साथ में खामोश रहना मना कि सारे लगने दे थोड़ी थोड़ी सी चढ़ जाने दे जरा सा मूड बनाने दे फिर तो धमाल होगा ऐसा कमाल होगा हर कोई साथ गाएगा सब परफेक्ट है चलिए आगे मत बढ़िएगा इधर है रास्ता चलो चलो वहाँ पीछे रख देना इसको तुम भी पीछे रख सजावट तो खूब ये तो दूल्हा है ये आपका बेटा है बिल्कुल आपकी तरह लगता है मेरी तरह एक टोली मेरे पास रखा है एक दे रखा है रखो उसको तुम नहा क्यों नहीं रहो तैयार हो मच्छर घुस रहा है इतने बड़े हो गए हो खिड़की बंद कर दिया करो रात में यही सोना है ना सबको पैंट बदलू क्या तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं बहुत टेंशन में हूँ क्या हुआ बाहर एक बुड्ढा मिला कहता है दूल्हा आप ही का बेटा है ना बिल्कुल आपकी तरह दिखता है बहुओं की तरह हरकत करो क्यों फंस रहे हो इन चीजों पर मैं क्या करूं फिर हर आदमी आके मुझे बोल रहा है मैं टेंशन में हूं क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या क्या पानी चाहिए क्या लोटा किसकी शादी शादी अबे क्या किसकी शादी है बाकी की बाकी की शादी है एक बात बताइए ढाबे पे कोई दूसरा लौंडा तैयार हो रहा है बस पे लिखा है बाकी की शादी तो भैया बाकी की शादी है कि बाकियों की शादी है कंफ्यूजन है क्लियर कीजिए भूती के हमको बोल रहे हैं नहीं नहीं एक बात तुम कान खोल करके सुन लो शादी बाकी की ही है और तुम बाकी की शादी में आए हो समझ रहे हो पंकज दामाद जैसा रहना हाँ भेज रहे इनको हाँ। जाओ बुला रहा है कोई आया नहीं बुला रहे वो तो हमको भी मालूम है जाओ 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 क्लियर हुए नहीं लेकिन हम जाओ जल्दी अरे जा रहे हैं हम रास्ते में हैं टाइम लगता है कन्हैया ये बहुत गलत आदमी है ये बहुत बुलाया कौन इसको मैंने कहा बुलाया मैंने कहा था इसको मत बुलाओ कौन क्यों मोरिंग अब क्या आया ये बड़ा अद्भुत जगह है भैया जी
अरे चल चल आजा 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 भाई आराम से आराम से आराम। का हाल ठीक हो? हाँ साहब। सकल बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारा। हाँ साहब। वेरी गुड, ये लीजिए शगुन है, रखिए। सुन बेटा। हाँ साहब। जब तक बेटा ये बारात यहाँ से विदा नहीं हो जाता है तब तक तुम सिर्फ हमरे गेटअप का ध्यान रखो, समझे? समझ गया हुजूर। गुड, कटो। अरे भैया जी, एक बात तो बोलना ही भूल गए, कुछ नाच गाना होता तो मजा आ जाता। साला हमरे दिल का बात छीन लिया तू। काबे कौन इंतजाम है? नहीं साहब, यहाँ कहाँ। बरातियों से साला घास छिलवाओगे का? हाँ भैया जी, I can find it in just dial. Find it बेटा, find it. हाँ, बोले थे ना तुमको लौंडा काम आएगा। कैसन गुजरे हमरी रतिया का बताए रामा रामा। बेदर्दाने रात भर किया कैसन कैसन ड्रामा। मेरी आदत बिगड़ गई, दांत सैया ने यूं गड़ाया। मेरी हालत बिगड़ गई, दांत सैया ने यूं गड़ाया, तेरी हालत बिगड़ गई। ऐसा चस्का मुझे लगाया, ऐसा चस्का, हाय ऐसा चस्का मुझे लगाया। मेरी आदत बिगड़ गई, दांत सैयान, दांत सैयान यूं गड़ाया। मेरी हालत बिगड़ गई, पसीना पसीना बड़ा याद आए दिसंबर। दूल्हा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें? चल उधर चल के देखते हैं। हाँ हम लोग पहुंच गए जी। जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ दो ही दिन की बात है जी, दो ही दिन की बात है पापा। हमें दूल्हे से मिलना है। ओके, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ मैं ही हूँ दूल्हा, कहिए। तुम क्यों, कोई डाउट? हाँ हम ये कहने आए थे कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। क्यों? क्योंकि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है, और अगर तुमने ये शादी की तो तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यही बात अंजलि आकर मुझे कह दे तो मैं फिर मना कर दूंगा शादी से। हाँ तो कह देगी वो,
मैं कहूंगा उससे, वो कह देगी तुम्हें, बिल्कुल मना कर देगी। अच्छा सुन यार, एक बात कहूँ, यानी बुरा मत मानना, आपको देखकर लगता नहीं है कि अंजलि आप जैसे लड़के से प्यार करती होगी? थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ यार, अजीब लगता है ना। ओए ये ना मेरे और अंजलि के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ना, समझ गए ना? अरे सॉरी यार, इधर ही आ रहे तेरी हालत बिगड़ गई। सर्दी पसीना पसीना बड़ा याद आए दिसंबर महीना, हाय कड़ाके की सर्दी पसीना पसीना बड़ा याद आए दिसंबर महीना। ऐसे वैसे मुझे नचाया, वैसे हाय ऐसे वैसे मुझे नचाया, फिर तो फिर तो फिर तो मैं भी लड़ गई, दांत सैया ने यूं गड़ाया, ऐसे वैसे मुझे नचाया, मैसेज करते हैं। हाँ वॉइस मैसेज, वॉइस मैसेज। हाँ ओके, बांके हाय बांके हाय हीरो जैसी शक्ल और नाम पौंके, नाम और शक्ल में कोई मैच ही नहीं है। अच्छा तो आपको मेरा नंबर में मिल गया? हाँ पच्चू, हम हर चीज का पता लगा लेते हैं। वैसे और कोई फोटो नहीं मिली थी भेजने के लिए? इतनी गंदी चंपू तेलू फोटो ही भेजने की पौंके। वैसे आपकी चंपू तेलू फोटो देखकर इंप्रेस हो गई? क्या बात है। ऐसा ना आपको लगता है? वैसे लड़की से मिले बिना शादी के लिए हाँ कैसे कर दी तुमने? एक्चुअली मैं अपने माता पिता की हर कही बात मानता हूँ इसलिए। मेरी फोटो कैसी लगी? इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। आप मुझे के बिना और भी अच्छी लगती है। तुम्हारी ना स्माइल बड़ी क्यूट है बाकी। अच्छा यार अंजलि, तुम कहीं आसपास ही तो नहीं हो ना? हो क्या? नहीं यार, मैं रेडी होने जा रही हूँ। सी यू सून सून। ओके मिलते हैं सून सून। अच्छा हाँ, मेरे मैसेजेस का ना जवाब देते रहना। जो हुकुम मेरे आका, जो हुकुम। डंग 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 डंग। ऐसा चस्का मुझे लगाया। ये मेरे भाई, तुझे क्या बताऊं, मजा आया, इतना मजा आया कि तुम्हें वहां पे आना चाहिए था। तुम क्या असली दूल्हा बन गए क्या? हूं क्या, गर्लफ्रेंड है क्या?
हाँ यार। तो उसको पता है कि तुम नकली शादी कर रहे हो? नहीं। अच्छा ही है ना गर्लफ्रेंड है, शादी के बाद अंजलि पर कम ध्यान देगा। सॉरी बच्चा। अजी बताओ कैसा? एकदम लल्लनटा, बहुत अच्छा। पहन ले। पहन लो। पक्का? लगे रहो, लगे रहो भैया। अरे भैया और भी लोग हैं लाइन में, कहाँ सोच रहे हो बैठ के? तो फूफा जी ना सठिया गए, एकदम सठिया गए हैं फूफा जी। दोनों टांग ऊपर करके खड़े रहते हैं कि कब आसमान गिरेगा, हम ऐसे करके रोक लेंगे। और समझाने के लिए जाओ ना तो पागल कुत्ता की तरह नोचने के लिए दौड़ते हैं, है करके फूफा जी। आजकल का साबुन भी ना हमको लगता है फिनाइल मिला देता है। अब फूफा जी हम तो लेके आते हैं आपके लिए। अरे निकलो ना तुम भाई, अंदर में गजल गा रहो काजी। अच्छा लग रहा है, तैयार हो जाओ जल्दी से। लल्लन भैया, लल्लन भैया कैसा लग रहा है? नंदू भैया बाल ठीक करो अपने। सुने? अरे चलोगे? जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ चाचा जी। पाके पाके अंजलि Excuse me? हाँ बोलिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों आपको मेरी रगों में दौड़ना है? नहीं जस्ट जा। जाओ 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 जाओ। बच के रहना, बीबीसी टाइप आदमी है पागल। वो तो मैं समझ ही गया था। है ना? और तुम यार खड़े हुए ऐसे, बाहर घोड़ी तैयार है, तुम यार कछुआ टाइप कर रहे हो। चलो चलो जल्दी करो। वो चाचा जी मेरे पैसे। कैसे पैसे यार, सब तो दे ही चुके हैं, 25% ऑफ कर दिए, तुमको इज्जत दे रहे हैं, शादी के बाद मिल जाएगा। हाँ सहयोग दो, सहयोग पाओ। बिल्कुल जल्दी करो। बेटा बाके अब देख कैसे तुझे मैं मजा चखाता हूं। ये विराट, ये विराट, ये घोड़ी तैयार, तू यहाँ क्या कर रहा है? घोड़ी तैयार है यार बाके, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये। लो, मैं शादी नहीं कर सकता यार। ये तुम जानते हो कितनी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे। और मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो भैया वो तो मुझे छोड़ देगी ना, और पिताजी तक। तो एक काम करते हैं यार, इस बात को रहने देते हैं। प्लीज प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है यार, जाने दो मुझे। भाई, भाई, भाई तुझे टेंशन क्यों हो रही है? तुझे डर क्यों लग रहा है? तू तो कोई गलत काम कर रहा है। अरे तू तो पुण्य कर रहा है, अपने पिताजी की मदद कर रहा है। भाई एक दिन की बात है, तू ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत सोच, तू सोच मत। हाँ वो तो ठीक है, फिर जब फिर क्या गलत है? लेकिन मैं पकड़ा गया तो? कैसे पकड़े जाओ भाई साहब? आप तो अंजलि के साथ अपना घर बसा लेंगे, बच्चे बच्चे कर लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? पूरे परिवार की नाक कट जाएगी ना, वो भी 2.5 लाख रुपयों के लिए, सिर्फ 2.5 लाख। यानी रहने देते हैं यार बाके, तू तू कैसे कैसे? अरे जाने कैसे दूं, तू काहे के लिए इतना सोच रहा है? क्योंकि मेरा सब कबाड़ा हो जाएगा। सिर्फ तू मेरा, तू सिर्फ मेरे बारे में सोच, सिर्फ मेरे बारे में सोच। अच्छा ठीक है बाके। अच्छा देख यार, सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ही सुंदर लग रही हो, जल्दी करो। हाँ, जल्दी चल चल आ गई, चलो। अंजलि, राजेंद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी बेरहम पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? क्या किया मैंने? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या किया? मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि, और तुम भी मुझसे करती हो, मुझे मालूम है। जब हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो फिर ये शादी क्यों? और तुमने अभी तक अपने घर वालों को हमारे प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम पागल हो? मैंने कब कहा तुमसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नीचे जाओ, सबकी मदद करो। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। क्या बेवकूफ अंजलि, हमारे पास टाइम नहीं है, नीचे बारात आ चुकी है, ये आखिरी मौका है भागने का। चलो। ए! पी रखी है क्या? आखिरी मौका है तुम्हारे पास, चुपचाप भाग जाओ वरना शोर मचाऊंगी, इतने चप्पल पड़ेंगे ना दिमाग सही हो जाएगा, बदतमीज कहीं के। मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि, खुदकुशी कर लूंगा मैं। खुशी से कर लो, जाओ यहां से। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। वाह बहुत बढ़िया। आगे बरात। अंजलि ने अपने हाथों में इतनी सुंदर मेहंदी भी लगवाई और जीजा जी का नाम भी लिखवाया। पर जीजा जी ने तो अपने हाथों में मेहंदी से लकीर तक नहीं खिंचवाई। अरे तुम्हारे जीजा जी ने तो अंजलि का नाम अपने दिल पे लिखा है। ये हुई ना बात। लाल वाली को मत देखना कोई भी, ठीक है? अरे भैया जी को रसगुल्ला पसंद आ गया है। आई एम लल्लन, एल ए एल एल एन। पूजा। पी यू जे। पी ओ ओ जे ए। पी ओ ओ जे। पलटुआ के पापा पकड़ो इसे, ठीक से हाथ नीचे रखो। हाँ बस रुलाना नहीं। हाँ अरे सुनो, नंदलाल और कन्हैया लाल लड़की वाले के साथ में धोखा कर रहे हैं, उन्होंने लड़का बदल दिया है। हाँ तो अब यही तो प्लान था। चुप बैठो। तुम इस पचड़े में क्यों पड़ती हो? तुम है ना अपने काम से काम रखो, और ये जो मुंह है ना बस बंद रखो। सिर झुकाइए। झुकना नहीं है लड़कियों के सामने, बिल्कुल झुकना नहीं है। जिंदगी भर तो अंजलि के सामने झुके ही रहना, इतनी आकड़ किस बात की? अभी से आदत डाल लीजिए। नीचे उतारो, माला तो डलवानी पड़ेगी ना। अंजलि मुझे तुमसे कुछ बात। ज्यादा चिपक मत बांके की तुलने में, अब ज्यादा उछल मत, समझा? ऐसे ही दोस्त है। अरे 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 बेटा सुनो, बच्चे कहाँ बात सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बैग क्या हो गया इसको, चल इधर। क्या हुआ? चला गया। ऐसा क्या हो गया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या हुआ? तुमने माला क्यों नहीं पहना? क्या हुआ? क्या ये पकड़ो। क्या हुआ? आपसे और आपके सारे परिवार से मैं माफी चाहता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वही नौटंकी, अब क्या हुआ? क्या आपने उनकी शक्ल देखी? हाँ लड़की के बाप की, कितने भोले लोग, कितने सीधे साधे। और ये उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। दूल्हा बरमाला डाले बिना क्यों चला गया? मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद किसी की बात पे नाराज हो गया हो। नाराज? पर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, हम सब यही थे। ये दहेज का मामला है, लड़की को गाड़ी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है? गाड़ी? हाँ गाड़ी, पर ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं थी। अभी रखेंगे, थोड़ी देर में मैसेज आएगा, ये सब प्रेशर डाल रहे हैं। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही कि इतना बड़ा धोखा, वो भी सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए। बाकी तू समझ रहे ना यार, अभी
बेटा सिर्फ 2.5 लाख मुझसे नहीं हो पाएगा। सॉरी ऐसा मत कर। नहीं बेटा ऐसा मत कर। नहीं 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 क्या है? अरे रुक तो सही मम्मी। हाँ रुपए बढ़ा दो, 5 लाख कर दो। मुझसे बोल, मुझसे बोल, क्या बोल रहा है भाभी? सुनिए एक मिनट रुकिए, 5 पूरे कर दो। बोलता हूँ। बोलो कन्हैया देना 5 खत्म करना। अरे भांग भी क्या हो, 2.5 लाख से एक फूटी कौड़ी ऊपर ना दूं साले को। ये देना 5। ओ अंकल जी एक काम करो, अपना पैसा ना अपने पास रखो और जाकर किसी नए लौंडे को ले आना, उसको दूल्हा बना लेना, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। बात गाड़ी की नहीं है, हमारी बेटी इस लालची परिवार में खुश और सुरक्षित रह पाएगी? कभी नहीं। अगर ये शादी ना हुई ना तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, फिर कौन करेगा हमारी अंजलि से शादी, सोचो। मैं करूंगा, मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ये लक्ष्मी कहाँ है, ये भी तो दिखाई नहीं दे रही है ना। मम्मी अगर बात दहेज की है ना तो ऐसे लालची लड़के से मैं खुद शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल सही बोल रही हूँ अंजलि जी आप। तो चुप कर। क्या गलत बोला मैंने? हाँ? चला मैं ऐसे किसी को धोखा नहीं दे सकता, और अगर धोखा देना भी है तो 5 लाख रुपए लूंगा। अबे ओए ए लल्लन, तेरी एक कान के नीचे मारेंगे साले। क्या ए लल्लन भाई, बताओ बताओ भी। अरे बताओ ना, बताओ 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 पिताजी। 5 डन। ओके 5 लाख दे दोगे? 5 लाख सोचने दो, सोचने दो। अब तो 5 लाख मिल गया, अब तो तुम्हारी आत्मा नहीं कचोड़ रही होगी अंदर से। बाकी सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अच्छा हो गया अभी, चलो ना बेटा। और ये इन दोनों को समझा दो, थोड़ा तमीज से रहा करें। रहेंगे बेटा रहेंगे, रहेंगे। सब ठीक तो है ना? हाँ हम लोग खुशी में ऐसे ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा ने कहा है कि वो गाड़ी देने के लिए तैयार है। बेटा गाड़ी दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी भैया? हमको कोई गाड़ी नहीं चाहिए। ओ भैया हमें गाड़ी चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए। हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए गाड़ी। हमें नहीं चाहिए गाड़ी। हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ। सख्त खिलाफ। हम दहेज के सख्त खिलाफ। अभी आ जाएंगे। भाई देखिए हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। अंजलि हमारी बेटी समान है, हम तो अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा करके लेके जाएंगे। वाह वाह वाह। आइए आइए आइए। हम लोग तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मगर दूल्हा वरमाला से भाग क्यों गया था? उका कहते हैं चाचा, इट वाज अ नेचर कॉल। ये नेचर कॉल? नेचर कॉल क्या होता है? अब मगर उसमें इतना वक्त? अरे चाचा नेचर बिग कॉल, बड़ा 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 वाला, इनको कभी कभी होता है। सबको लग गया था, चले गए इकट्ठे। इस बंदर को कहां से उठा के ले आए, हर चीज में टांग अड़ा रहा है। अरे धीरे बोलो दीदी, दूल्हे का खास दोस्त लग रहा है। वरमाला डलवा रही है कि मुझे अकेले में बात करनी। अरे विमला, ये दूल्हा कुछ बदला बदला नहीं लग रहा? दीदी बहुत सुंदर लग रहा है दूल्हा। हाँ पर कुछ ज्यादा बदला बदला लग रहा है। हाँ अब थोड़ा थोड़ा सा तो बदला सा लग रहा है, मगर जीजी वो लड़के क्या करते ना, कभी दाढ़ी रख लेते तो कभी नहीं, कभी ये स्टाइल तो कभी वो स्टाइल। हाँ लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि दूल्हा चश्मा लगाता था। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ आजकल तो वो लेजर हुआ वेजर हुआ करा के ना कुछ भी निकलवा देते हैं, चश्मा ही नहीं रहता। आप तो ना बिना बात के चिंता कर रहे हो। हाँ सही कह रही है दीदी, मेरी बूढ़ी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। उन्होंने लड़का बदल दिया। वही तो मैं तुम्हें कह रहा था। अरे नहीं उन्होंने बदले हुए लड़के को ही बदल दिया। ये राजेश कहाँ गया? राजेश तो पंडित की बेटी के साथ भाग गया। कौन? किरण? अरे उसका तो टिमाटी चौधरी के लड़के के साथ कुछ था। तुम्हें बड़ी खबर रहती है। तुम है ना अपने काम से काम रखो, बच्चा तो संभलता नहीं। पै पै। अरे हलवाई मीठा 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 हलवाई मीठा दो, बहुत टेंशन है, मीठा दो जल्दी, मीठा दो जल्दी। आपका बेटा बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह लगता है। चाचा आप खाओ ये।
और कोई काम नहीं आपको यहाँ बारात में? अरे आपका ही है ना। चलो जाओ ना, अपना काम करो, मुझे अपना काम करो। बता। अरे नहीं चाहिए, आप जाओ ना यहाँ से। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे आपका ही है ना। अरे आप, अरे सुनो, मुझे क्या लग रहा है अब तक सब सेट हो गया है, सब ठीक हो गया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कन्हैया मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ और तो नहीं होगा ना? आप अपने नजरों का टेस्ट कराओ यार, भगवती बोल चुकी है, पापा ने क्या कहा था, कोई टेंशन लो ही मत, सब ठीक होगा। चाचा जी है? हम आ गए। मुझे क्या लग रहा है अब तक सब सेट हो गया है, सब ठीक हो गया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कन्हैया मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ और तो नहीं होगा ना? आप अपने नजरों का टेस्ट कराओ यार, भगवती बोल चुकी है, पापा ने क्या कहा था, कोई टेंशन लो ही मत, सब ठीक होगा। हे चाचा जी है? हम आ गए। तू यहाँ कहाँ से आ गया? निकल यहाँ से, भागले, इससे पहले तुझे कोई देखे, समझ रहा होगी? नहीं जाओ जाओ। चाचा जी ब्याह? कौन सा ब्याह, ब्याह हो गया। चाचा जी हमारा 1,00,000 रुपया? किस बात का 1,00,000 रुपया बे? दूल्हा बनने का। दूल्हा तो बन गया, तुम यहाँ बिरयानी खाने आए कुत्ते? चाचा जी जस्ट लेट ही तो हुए हैं, प्लीज कंसीडर मी। चाचा जी प्लीज। ललन, ललन चाचा जी, चाचा जी बोले, चाचा जी इसको कंसीडर कर, जल्दी कंसीडर कर, चल आ जा मुन्ना, जाओ जाओ कंसीडर, चल बे। अरे भाई हम 1,00,000 रुपया लेने दीजिए ना, चल ना भैया, आप समझ लो। मैं भी बैठ जाऊं? सब सिट डाउन। कहीं से भी कोई लोग आ जा रहे हैं क्या? मैनेजमेंट कहीं? अब तो कोई टेंशन नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। पिंकू के पापा जी हम आ गए। अरे उधर का देख रहे, हमसे बात कीजिए। क्या हुआ? आपके राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हमरे तो गेस्ट आ रहे हैं, दूध कम पड़ गया है, कुछ कैश निकालिए। अरे निकालिए ना, ये देंगे। क्यों दूं मैं? ये देंगे पैसा, निकालिए निकालिए, कुछ निकालिए, खर्चा कीजिए। भूतनी के जी आया, भूतनी के 20 रुपए दो इनको, लो 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 भैया पैसे, इसको पकड़ के ना संभाल के रख रहिए। हाँ रखूंगा, रखेंगे रखेंगे, ले जाएगा इसे सीना में लगा के, ये लो पिंकू के पापा। चलो ठीक है, मैट्रिक पास है हम, बीएलएलबी, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता, लाख रुपीस दे दीजिए हमारा। ठीक है तो गाड़ी वहां से बोला, हमारा लाख रुपीस दे दीजिए बस। अब चल भैया, भैया भागे, भैया मारेगा मत, भैया चल दे, चल दे, चल चल निकल, जा रहे ना तो चल भाग, मारिएगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा, चल निकल, हम भी अच्छा करके हैं, चल निकल। अरे राजा साहब, ए राजा साहब, राजा साहब नमस्ते, 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 बहुत बड़े भाग्य हमारे, आप आए। थैंक यू नारायण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पगड़ी क्यों उतार दी? पगड़ी तो पहन लो। नंदलाल जी, जी ये है पराकपुर के राजा साहब और ये है कन्हैया लाल। अरे वेलकम सर, आप कुछ लेंगे? अरे नहीं, तकलीफ ना करिए आप। अच्छा आप हैं दूल्हे के पिताजी? जी। अरे बहुत तारीफ सुनी है साहब आपकी। जी थैंक यू। सुना है आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं? जी जी। बहुत ही नेक ख्यालात हैं। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। कहाँ है दूल्हा? मैं बुलाता हूँ सर। अरे बेटा बांके। जी, जी। पिताजी, पिताजी देखो बेटा कौन आ कुछ तो गड़बड़ है। जी पिताजी, वो मैं बांके को बुलाकर लाता हूँ। बुलाओ बाके। आ रहा है जी। कोई पूछे बाके बोल। आइए आइए सर, आइए, कन्हैया लेके जाओ ऊपर स्टेज पे, लेके जाओ। ये है बाके। खुश रहो, खुश रहो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, आइए राजा सर, आइए। क्या बहुत बड़ी गड़बड़ है भुआ, पता तो मैं लगा के रहूंगा। राजा साहब आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। आइए दिखाओ भूतनी के। क्या क्या है? अरे देखिए, लड़की का शादी करना बहुत बड़ा जग है, इतना बड़ा, आप इतना बढ़िया व्यवस्था किए हैं आप लोग, देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। वाह बहुत बढ़िया।
लेकिन एक बात बताइए कि इसको देख के नहीं लग रहा है यही दूल्हा है, इसी की शादी हो रही है। देखिए कमाल है। आओ सुने ना, हम नींबू पानी लेके आए आपके लिए, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे बेहुदा नींबू पानी लेके आओ। भाई साहब वो कौन है? वो बेटा है मेरा। अच्छा आपके कितने बेटे हैं? मेरा एक ही बेटा है जी। एक ही बेटा है? अगर वो आपका बेटा है तो दूल्हा क्या लगता है आपका? वो कन्हैया वो क्या हुआ? वो पापा पूछ रहे हैं कि मेरे कितने बेटे हैं और वो कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। इधर आइए बेटा, ये भी बेटा है बट ये अनाथ हो गया है। इसके माँ बाप जो थे ना बचपन में ही मर गए। आगे बोल देना गोद ले लिया है। गोद ले लिया इसको, माँ बाप मर गए थे। मम्मी निकल। अरे मम्मी। हाँ अरे अनाथ है तो क्या है, तो मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा तो इसका नाम क्या है फिर? किसका? बिट्टू। बिट्टू? हाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो फोटो मुझे ढूंढनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई साहब हेलो, सुनिए हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं कि आप काफी परेशान लग रहे हैं हमको। आप कोनो खास बात है का? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब लोग खुश हैं, प्रसन्न है, बहुत बढ़िया माहौल है, लेकिन हम आपको थोड़ा परेशान देख रहे हैं। बगुला की तरह ध्यान दिए हुए हैं लड़की के ऊपर में। नहीं देखिए आप एकदम हैंडसम लड़के हैं, हम तो कहते हैं वो बाकी की जगह आपको होना चाहिए था। ऐसा जोड़ी होता एकदम पार्वती जो है तो शिव का लगता। हम सच्ची बता रहे हैं। अच्छा सुनिए हमको एक बात बताइए, दही बाड़ा कहाँ मिलेगा? आधा घंटा से हम दही बाड़ा ढूंढ रहे हैं, 9 लोगों से पूछ चुके हैं। किधर? उधर से लेफ्ट लेना है, यहाँ से सीधा जाइए। हाँ हाँ और उधर मुड़ जाइए। अच्छा वो महादेव के मूर्ति के नीचे में वही मिल जाएगा ना? वही दही बाड़ा मिल जाएगा। बहुत जाइए। हे भगवान मैं अनाथ हूँ, इस शादी ने मुझे अनाथ भी बनवा दिया। हे भगवान मेरी जल्दी से शादी करा दो, पता नहीं शादी से पहले क्या क्या बनना पड़े। बिट्टू जी, बिट्टू बांके। कौन? बांके। अरे बेटा तो तुम ही बांके हो, कभी बिट्टू कभी बांके। क्या गड़बड़ घोटाला ये, क्या चला रहा है? बाबूजी कन्हैया वो देखिए बांके। क्या चला रहा है? लल्लन कहाँ है? लल्लन भैया आते हैं आते हैं। कहाँ चले? कहाँ वो? कहाँ प्रॉब्लम? कहाँ कहाँ वो बेटा? ये कह रहे हैं मेरा नाम बांके। हाँ तो है तो। अरे तो हम कह रहे हैं इनका नाम बांके। हाँ भाई बांके है, मतलब दुनिया में एक ही बांके होता है क्या? ये भी बांके है, वो भी बांके है। आपका नाम रजेंद्र है? हाँ है तो। हमारे मामा के लड़के का नाम भी रजेंद्र है। अब अगर वो रजेंद्र है तो तुम रजेंद्र कैसे हो सकते हो बताओ? हाँ? नहीं बताओ, बताओ ना तुम्हारा तुम्हारा नाम रजेंद्र कैसे? लल्लन भैया बताओ। अरे हम रजेंद्र है। कट लो। लेकिन इसकी कट लो अगर। थैंक यू भैया। अरे तुम ही बांके तुम ही कन्हैया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं मिठाई खा के आऊं? बैठे रहो बस। अरे बाबा जी कुछ कैश की पड़ गई है, कुछ कैश कम पड़ गया हमको, थोड़ा कुछ मदद होगा? कैश? हाँ? सब खर्चा हम लोग कर रहे हैं तो कैश तुम्हें क्यों दे हम? हाँ बस 3,000 की जरूरत है, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं नहीं हमारे ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं चलता। अरे जैसे हम आपके दामाद हैं ना ऐसे वो हमारे दामाद हैं। अरे करें ये क्या है? है बोलती के कब 500 दे दे। क्या कर रहे हैं आप लोग तो? इतना कम रकम के लिए आप लोग लाओ पूरे 500। हम फिर से आएंगे, रिटर्न करने आएंगे। हलवाई बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, थोड़ी मिठाई और दे, बहुत टेंशन है। दे ये भी दे। साहब एक बात पूछे, लड़की वालों को तो टेंशन होती है, आप तो लड़के के बाप हो, आपको काहे का टेंशन? ये तुम नहीं समझोगे,
हमारी टेंशन का तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। चले भी दो। अरे बिमला, वो दूल्हे की जो फोटो थी तूने देखी कहीं, कहाँ रखी है? फोटो? हाँ। अब उसकी क्या जरूरत है? मुझे कुछ काम है। दीदी मुझे तो खुद और बहुत काम पड़े हैं। और वो अंजलि के रूम में देख लीजिए ना फोटो। अच्छा ठीक है मैं देख लूंगी, तू जा। अरे नारायण, नमस्ते नमस्ते, मुबारक मुबारक। क्या हाल है? बस सब ठीक, बड़ा अच्छा हुआ जो आप आए। अरे आता कैसे नहीं प्रा, अपने बच्चे की शादी है, बधाइयां। और क्या हाल चाल? सब कहाँ है बच्चे? मैं अभी आपको उनसे मिलवा देता हूँ। मिल लूंगा। कहाँ बच्चे? राजेंद्र और सेठ ठीक है आपके? बस जी हाँ, सब ठीक है, शुक्र। बेटा जरा इनको दूल्हे से मिला दो। जी आई आई। ओए अपनी बच्ची है। हाँ जी, भोजन मेरे हाथों में खेली है। बाकी हाँ जी, ये बलवंत जी हैं। जी नमस्ते। ओ विराट पुत्र, तू इत्थे की कर रहे? बलवंत अंकल है मेरे बाप के दोस्त, संभालो। ओ विराट पुत्र, विराट जी मैं विराट नहीं, मेरा नाम बाके है। और चेहरा बदल के मेरा फुद्दू नहीं बना सकता, मेरे हाथों में खेला है तू। और तुझे बचपन से देखा है, तू विराट ही है, शर्मे का पुत्र है तू। अंकल नमस्ते। आपने लहसुन का रसगुल्ला पाया विराट, और कीमे की कलेजी पुत्र वो डिनर कर रहे हैं। माफ कर रहा हूँ, मैंने आपको बजा रहा हूँ। हैं कौन, किसने बुलाया आपको? मेरे को लड़की वालों ने बुलाया, मैं नारायण का दोस्त हूँ। अच्छा, अरे आप लड़की वाले, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आपकी? प्रॉब्लम वो विराट है, शर्मा जी का बेटा। वो नहीं नहीं, वो बाकी मेरा बच्चा, उसकी शादी। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे, शर्मे का बेटा मेरा विराट। इतना बेटा, इतना बेटा, आप हद कर रहे हो। बात तो ये मेरा बच्चा है, इसकी शादी। आपका बेटा हो ही नहीं सकता। आप मतलब पापा जी, आप सबके सामने मेरी मर्दानती को ललकार है। हाँ ये आपका बेटा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बच्चा। मैं प्रूफ कर दूंगा। आप प्रूफ करेंगे सबके सामने? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये नहीं है। हाँ मैं प्रूफ कर दूंगा कि आपका बेटा नहीं है, ये विराट है। कन्हैया, ओ विराट इधर आ तू। सोने का गणपति था। चाचा जी इनसे मिलो, बचाओ। क्या भाई तू कोट पहन के बच्चों को क्यों डरा रहा है भाई? क्या हुआ बड़े भाई साहब? पापा जी कह रहे हैं मेरा बेटा ही नहीं है। और आपने मान लिया? क्योंकि ये नहीं मान रहे ना। क्या यार सिद्धू, तू बड़े भाई से मजाक कर रहा है यार। कौन सिद्धू, मैं बलवान तू। देख रहे हो, दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ वाराणसी। क्या बात कर रहे हो यार? इस केस में क्या होता है, जैसे ये सिद्धू है, इसको लग रहा है ये सिद्धू नहीं बलवंत है। अच्छा, और बलवंत जो कि सिद्धू है वो कह रहा है ये बाके नहीं विराट है। विराट, तो क्या लगता है आपको ये केस? I think this is a gone case. Gone case? Come on case, इधर आओ। आप इंग्लिश समझते हैं? थोड़ी सी। देखो जी, आपको metamorphosis of cyclothenesis of photosynthesis हुआ है। वो क्या? इसमें एक ही शक्ल हर आदमी में दिखाई देने लगी। हाँ, दिन में सूरज दिखाई देता आपको? हाँ। मुझे भी दिखाई देता है। रात में खाना खा लो भर पेट, उसके बाद भूख लगती है? नहीं। मुझे भी नहीं लगती। अब मेरे को फुद्दू समझा, अब मेरा अब तक सिर दर्द नहीं हुआ, फुद्दू बनाया मेरा। तुझे हमको सिर दर्द देता, तेरा कहाँ से सिर दर्द होगा? आपको क्यों नहीं लोग लड़के का बाप समझते? एक दो आइटम तो आप संभालिए ना। कमाल करते हो, किसी ने बोल देगा तो सत्यानाश हो जाएगा। चलो अभी 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 बरातियों को संभालो। चलो चलो चलो, तू ठीक है ना? हम ठीक नहीं। अरे इसमें एक ही शक्ल हर आदमी में दिखाई देने लगती है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू थैंक यू। हेलो मुर्गी पापा जी। पापा जी स्माइल प्लीज, थोड़ा राइट, बहुत बढ़िया। वन मोर। अच्छा पापा जी ठंडा पीजिए ना। सब जगह वही दिख रहा, मेरी अखा नु की हो गया, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। की हो गया है? सिक्स थ्री एट नाइन शर्मे दी बस। ओ तेरी, मेरा बेवकूफ बना रहे ने, अपना ही शर्मा अपना ही विराट। सरदार बलवंत ने बलवा कर दिया तो हम तो किधर के भी नहीं रहेंगे। रो मत, उसको डाल दिया, सेट कर दिए, साइक्लोथेंसिस में डाल दिए, 3 साल तक नहीं आएगा। अल्लाह मत करो, बड़ा शक्की लग रहा मुझे। ये लो कन्हैया लाल जी, करवा लो साइकोसिस। क्या हुआ? बुलाया बलवंत अंकल का, वो खड़े हैं वहाँ पे। बलवंत कौन है, क्या है?
अरे संभालो यार, एक स्पेशल गेस्ट टाइप आ गया है। अरे यार वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरा बेटा है मेरा। अरे भाई है कौन वो? देखो वो खड़ा है सामने। ललन भैया मारना नहीं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। पाजी तुसी एकदम करेक्ट हो, विराट ही है ये। अच्छा आओ। अभी तक तो साइकोसिस की बीमारी थी, अब ये विराट हो गया। साइको? विराट के पापा से मिले आप? ओ तेरी, शर्मा भी है? आओ। कहाँ शर्मा? ओ बेटे की शादी है, मेरे को नहीं बुलाया। हाँ भाई। शर्मा जी कहाँ है? हाँ वो तो जनवासे में आराम कर रहे हैं। जनवासे में आराम चलो, कर रहे हैं। चलो जाके खबर लेते हैं। क्या हुआ? हुआ क्या कि इतने सारे जो भी हो, शर्मा मुझे कैसे पूछ? अरे नहीं कोई नहीं। और शर्मा भी कहाँ छुपा बैठा है? 5 मिनट में पहुंच बैठे आप। ओ चलो 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 फटाफट चलो, हेलीकॉप्टर बना देंगे गाड़ी का। वाह दो गई यार। क्या हुआ बाकी? ध्यान से सुनना, मुझसे शादी नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हो रहा है? वो जो बलवंत अंकल निकले हैं ना, मेरे पापा के बहुत खास दोस्त थे, उन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा है। ठीक है अब बाप तक तो बात पहुंचेगी, फिर पिताजी को पता चल गया ना कहीं का नहीं रहूंगा, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं माफ करेंगे? गुस्सा क्यों होंगे? वो तो उल्टे खुश होंगे ना, उनका आधा कर्जा जो माफ हो गया है उनको क्यों नाराजगी होगी बताओ आप। लेकिन कर्जा तो आधा ही माफ हो रहा है ना। नहीं नहीं मेरी बात सुनो बाकी भाई, अगर मामला ना मेरे हाथों में होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर देता यार, लेकिन ये बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। नहीं समझ रहे हो ना? हाँ समझो। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? पूरा कर्जा माफ करने के लिए कह रहा है। जो कर दिया जाओ। कर दिया। क्यों कर रहे हो? कर दिया ना। क्यों? तेरा पूरा कर्जा माफ। पूरा? पूरा। सोचना पड़ेगा। ठीक है बाकी, सिर्फ तेरे लिए भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अच्छे लोगों की तरह सिर्फ तेरे लिए। अब कोई बोले हमारे बीच कुछ भी बात नहीं हुई। बिल्कुल हैप्पी? अब खुश तो तुम रहे। वही हम बोले, यही यही बैठे थे जन्मा। कहाँ शर्मा? अरे आइए आइए। कहाँ वो? अंदर है। आइए शर्मा जी। शर्मा अरे आ बैठे 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 आई, यही तो थे शाम को। यहाँ शर्मा जी शप, फोन नंबर है आपके पास? कमाल है, शर्मे का नंबर मेरे पास नहीं है, ये लो करो गल। वाह वाह वाह। हेलो, अरे शर्मा जी, अरे भाई कहाँ निकल गए? हेलो नेटवर्क। हेलो हाँ, अरे भाई दार जी मिलने आए आपसे, कहाँ हैं आप? हाँ अरे ओ खोले नू, ओ कहाँ जा रहा है? ओ यार शर्मा शर्मा बोल के मेनू बंद करता यार। ओ खोल, ओ मेरा तो फोन भी ले गया यार। शर्मा क्यों रही हो यार? देख फोटो। एक मिनट। ओके हाँ। स्माइल। अरे लक्ष्मी हाँ? सुनो ये देखो। क्या हुआ? ये देखो ना पलटी मैंने गीला कर दिया सारा। हाँ। और इसको संभालो, मैं जनवासा जाके आता हूँ, कपड़े गीले कर दिए हैं इसने। इसे ही तो ढूंढ रही थी, बिल्कुल शक्ल नहीं मिलती। अरे सुन। अरे बुआ। कहाँ जा रहा है? ये बता ये फोटो किसकी है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है तो। अरे ठीक से देख और बता, इसकी शक्ल दूल्हे से मिलती है? मिल तो रही है। कहाँ मिल रही है ये बता, देख जरा ध्यान से देख। नहीं 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 मिल रही है, इसके गाल पे तो तिल है, उसकी गाल पे तो ऐसा कोई निशान ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ,
कुछ बदला बदला सा है। बदला बदला सा नहीं है, सब कुछ बदला सा है। ये जो बांके है ना, वो बांके नहीं, वो विराट है। सरदार जी नीचे अभी मुझे बोल रहे थे। और जो बदला सा घूम रहा है ना, बिट्टू, वो बिट्टू नहीं है, वो बांके है। सरदार जी, बांके, बिट्टू, मेरा तो ना दिमाग खराब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। आप यहाँ बैठो, आराम से बैठो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो बुआ जी, ये मुझे दो। ये बटले बांके को तो मैं देखता हूँ। हमको तो भैया इतना बढ़िया सही क्या कितना बढ़िया तूने बढ़िया किया। अरे व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। और क्या, अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। पता है इतना सारा गुड़ बांटे हैं हम। आप ही चाचा जी है ना? जी जी। और ये सामने जो है वही बाके है ना? भतीजा है मेरा भाई। बेटा है। तो फिर ये कौन है? कौन है ये भाई, हम नहीं जानते। आप भी नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। अरे यार फोटो तुम लेके घूमते हो, पूछ हमसे रहो, जाओ ना तुम। अभी आप लोगों का जब भांडा फोड़ूंगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बोल रहे हो? क्या हम बुआ जी को भी बुला के लाते हैं। लल्लन भैया, कहाँ है, क्या हुआ, क्या बात? ये असली बाकी ये है। अरे कहाँ से मिला, यही तो है। अब कहाँ से मिला? अरे ये तुम एकदम सही बोल रहे हो, गलती हमारी है हम। लेकिन भाई धीरे बोलो थोड़ा, काहे बरात लोग हैं, नाराज जी का इज्जत का सवाल है, समझो। अब एक बात बताओ, मान लो ई दूल्हा हमने ऐसे भगा दिया। इसको भगा दो, भगा देंगे, पर एक बात बताओ, बेचारी अंजलि तो कुंवारी रह जाएगी ना, कौन करेगा उससे शादी? नहीं बताओ। हम करेंगे उससे शादी, ये त्याग करने के लिए तैयार है हम। कर लोगे? कर लेंगे। कब? अरे देसी बड़े, इधर बैठो। यस भैया जी। हां भैया जी। भैया का नाप लो। हां नाप लो। शाबाश, ये साला तुम क्यों मर्द वाला बात। वाह भैया जी, रस्सी एकदम सही नाप का। वाह रस्सी, अब पजामा में नाला डालेंगे ना। अब देखिए जनवासा चलते हैं, बढ़िया से एकदम पाउडर लगा के एकदम चकाचक हर हर लगूंगा एकदम। हाय शाबाश। उफ बच गए। हां क्या देख रहा हूं? कन्हैया सपना देख रहे हो तुम? बैठ जाए। हां जाकर बैठो, यहीं बैठे। वहां बैठो, वहां बैठो, कहां बैठो? अपनी जगह पे बैठो। कौन है? पुनौती है यार, हर बार बीच में आ जाता है कन्हैया। अरे देसी, बढ़िया वाला शेरवानी रखा है ना, ठीक है ना? बस भैया को ऐसा टनाटन बना, बैठ 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 एकदम देखने आराम से संभाल गया। ऐसा टनाटन भाई को बनाएंगे दूल्हा। भैया जी। हाँ जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। चाबी कहाँ है जनवास? वो तो मेरे से अवध ले गया था। अब आप कोई है, वो फसा दिया सड़ों ने। ओए वो कोई है? ओ हेलो, आजा पुत्र आजा। ओ पुत्र खोल दे रहा इसको। अब पीछे परे जो सड़ा किधर है? ये सड़ा साइको से का लग गया तेरी में दस दस सड़े। किधर भैया जी? इसको वापसी में निपटाते हैं। तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे अरे इधर लाइए, इधर लाइए। अरे तुमसे भाभी ढूंढ रही है आपको। कहाँ चले जाते हैं? चलिए। अरे आइए ना बेटे, ना बाप सब ठीक चलिए? एकदम बढ़िया ना। आइए आइए आइए। ठीक से बंद कर दो भाई। जी भैया जी, एकदम। बस 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 भाजी, बस दम घुट जाएगा भाजी, कल मिलते हैं लाइव में, ठीक है? चलो भाई ठीक से बंद कर दो भाई। हाँ भैया जी। एक
हफ्ता टाइम लगता है। अरे माफ करिए भैया, साला ताला लगाना नहीं आता है, साला गोली चलाएंगे। यार कुछ भी बोलो, पगड़ी में कमाल लग रहा है, लग रहा हूँ अच्छा। मिलते हैं। अरे आदित्य कोमल तमन्ना, तुम कहाँ गए यार, मैं बोर हो गया था, तुम लोग के लिए कुछ लेके आया हूँ। अभी अभी मुझे भी एक दे देना, पक्का? ओके जल्दी 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 जल्दी। अच्छा चलो मैं आता हूँ आता हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। झुक झुक जियो बेटा, झुक झुक जियो, खुश रहो। कैसे हो बेटा? जी बहुत अच्छा हूँ। खुश रहो। सरदार बलवंत सिंह से मुलाकात हुई? हाँ, बलवंत अंकल को तो मैं बचपन से जानता हूँ। बचपन से? हाँ, यानी कि बलवंत अंकल जो है वो इतने अच्छे इंसान है कि उनसे मिलके लगा कि यानी उनको तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, इतने अच्छे इंसान है वो। ये बात तो है, पर सच तो ये है कि आप अच्छे तो जग अच्छा। बड़े छोटों से तुम जिस अपनेपन से मिले, मन अंदर तक तृप्त हो गया। जो तुमसे मिलता है तुम्हारा होकर रह जाता है। मेरी बेटी बहुत भाग्यवान है जो उसे तुम जैसा दूल्हा मिला। सचमुच सारी चिंताएं मेरी दूर हो गई। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। देखा तुम्हें पापा से बात करते, क्यूट लग रहे थे। वैसे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वरमाला के वक्त कहाँ गए थे? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मामला है क्या? है तो बता दो, मैं फंसना नहीं चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ठीक है। अंजलि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या है कि मेरा नाम बाकी नहीं है, मैं विराट हूँ। एक्चुअली बात ऐसी हुई कि तो मैं कहाँ अंजलि हूँ, मेरा नाम तो अनुष्का शर्मा है। अरे मेरी क्यूटी बॉय, मेरे लिए नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, मैं बांके से काम चला लूंगी। अंजलि अंजलि, अरे चल चल, तू पकड़ी गई तो मेरी खैर नहीं, चल। अरे एक मिनट। कुछ पलों से ये दिल कहीं भी लगता नहीं है, मैं कहीं पे हूँ और ये मेरा दिल कहीं है। हाँ कुछ पलों से ये दिल कहीं भी लगता नहीं है, मैं कहीं पे हूँ और ये मेरा दिल कहीं है। सोच रहा हूँ क्या हो गया है, जादू सा मुझ पे कोई चल गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है। दिल ने है चुन लिया, जाने आँखों ने कौन सा ख्वाब है बुन लिया। बेख्याली उधर भी है वही माजरा, राबता दो दिलों का प्यार से है भरा। हाँ सोच रहा हूँ क्या हो गया है,
जादू सा मुझ पे कोई चल गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है। याद आती नहीं, कुछ पता ना चले मुझे क्या गलत क्या सही। ओ जा रहा था कहीं मगर रास्ते मुड़ गए, तुम जहाँ थे खड़े उसी मोड़ से जुड़ गए। हाँ सोच रहा हूँ क्या हो गया है, जादू सा मुझ पे कोई चल गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है, ये क्या हुआ है, दिल खो गया है। अच्छे से दूल्हा बन के बैठो। ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश जी के चरणों में चावल छोड़ दीजिए, फिर से हाथ में श्रीफल ले लीजिए, दोनों हाथ में रखिए, वहां से आप वो श्रीफल ले लीजिए नारियल और मुझे दे दीजिए। एक मिनट क्या? हाँ जी, आराम से। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आराम से, क्या कर रहा यार? मम्मी, ये कौन लंगूर है? ये पागल है क्या? हर चीज में अपनी टांग रहा है, इसको हटाओ यहाँ से अभी के अभी। तू चुप कर, ससुराल वाले सभी यहाँ है, चुप करके बैठ जा। अगरबत्ती दूर रखो। अरे यार क्या क्या कर रहे हो यार तुम? अरे ये कपड़ा संभालो। ये कौन है? ये हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहे, पागल है क्या? पंडित जी, ये हमारे सबसे छोटे चाचा हैं, हैं 35 साल के, लेकिन दिमाग से थोड़े पैदल हैं, बच्चे जैसे, तो डोंट माइंड ना, कुछ कुछ करते रहते हैं। सब ठीक? हाँ बहुत बढ़िया। काम शुरू करवा जी। समझ क्या खा रखे हमको, हम बी बी एल एल बी ए पास। कोई देखा तो नहीं साला? कैसा पैसा नहीं देंगे हमारा, दीवार फांद के जाएंगे हम। भैया सीढ़ी भी है। भैया जी टॉयलेट नहीं मिल रहा था तो गए थे, थोड़ा इनका बाप भी पैसा देंगे, हिंदी मैट्रिक पास, छुप के जाएंगे और पैसा लेके आएंगे, पैसी की तहसीन। इस लड़की को राजेंद्र को जब ढूंढो तो मिलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ। अरे बुआ जी, बुआ जी प्रणाम, बाद में बात करेंगे, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। बाबा, बुआ जी प्रणाम, हमें पहचाने? अरे आप कालागढ़ आए थे ना लड़का देखने, वही तो है हम, रिकॉग्नाइज है तुम? तुम ही हो? हाँ तो? धोखेबाज कहीं के? मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। हमारा लाख रुपए तो बताइए कहाँ हुआ? बुआ जी, बुआ बुआ बुआ, अगर गुण का ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे देंगे कान की इंची तुमको। मजाक समझा है क्या?
टांगे तोड़ के रख दूंगी, देखती हूँ। बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाई थी। आप जान गई हो कि इससे अच्छा लड़का मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू बुआ जी। तो यू गिव मी माय मनी फर्स्ट, आई विल गो। तुम्हारी इंग्लिश को भी हम संस्कृत में बदलते हैं। अरे ललन, ललन भैया उधर है। ललन यहाँ का हुआ? आओ ना जरा। क्यों बुला रहे हो उनको? तुम पैसा देगा ना? अच्छा है। चिकोटी मत काटो। क्या हुआ है? क्या है? पैसा दो उनको। पैसा? कौन पैसा दे? लाख रुपीस शादी का। तुम मांगो तो से। हाँ दीजिए ना। तो 10-10 का नोट ले लोगे? हाँ ले लेंगे। आओ जी। हमें लगा ही था कि वरा वेरी गुड ह्यूमन थिंग। बहुत अच्छी पहचान है तुम्हें आदमी। जी बैठ बैठ। जी सर बैठ। बहुत अच्छा विश्वास। गाड़ी लाए हैं क्या? इतना रिस्पेक्ट कार लेके आए? हमारा विश्वास तोड़ेंगे नहीं। हमारा हमको विश्वास था कि मुकल आकर आराम से बेटा आकर भैया जी आ गए। जब टाइम मिले ना बेटा तो गिन लेना, अगली बार कोनो बदमाशी किए तो नोट तुमने मुंह में नहीं डालेंगे पर डालेंगे, जान लो काम, समझे? चलो बे साले। ये ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। भैया वो तो कोफ्ते बहुत पसंद है ना भाभी? हाँ, और वो भी हींग वाले। जी 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 जी। आपके शहर की बर्फी बड़ी मशहूर है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी। अभी खिलवाइए। हर चीज यहाँ की बहुत अच्छी है। सब ठीक तो है? हाँ, ये तो खुशी के आंसू है, निकलिए जाते हैं। और लीजिए ना। जी जी जी। अरे एक ही बात को कितनी बार बताए, ब्रिज के नीचे से रास्ता है। हाँ ब्रिज के नीचे से। हाँ अरे फूफा जी संभाल के खाइएगा, कीड़े निकल रहे हैं उधर। क्या? अरे कीड़े निकल रहे हैं मिठाई में। अरे संभालो फूफा जी। क्या हो गया? अरे नहीं निकल रहे हैं। क्या हो गया आपको? कहाँ से ले आए? पानी पानी। वो नहीं है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम। कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय आ गया है। अब कन्या के पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंपेंगे। शरणागत दीनार्थो परित्राणो परायणे सर्व। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी संपत्ति अंजलि बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देता हूँ। बेटे इसका ख्याल रखना। नहीं नहीं आप फिकर मत कीजिए, मैं हर तरीके से अंजलि का बहुत ख्याल रखूंगा। जी इनके कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर अंजलि का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ सब मिलकर अंजलि का बहुत ख्याल रखेंगे। तुम्हें हर जगह अपना मुंह खोलना जरूरी है क्या? चुप नहीं बैठ सकते? मैंने कहा था ना कुछ जल्दी सोचो, अब तो वो लंबू भी आ गया और वो दूतों के पास नाक की तरह कुंडली मार के बैठ गया। अरे कुछ चाय वाय पिलाइए भाई, नींद आ रहा है। अभी बुलाते हैं भैया जी के लिए चाय लेके जल्दी। बहुत आलसी हो गया तुम लोग साला, काम चो।
ऐसा मत बोलिए भैया जी, आपके लिए कुछ भी कर, कुछ भी करेगा, कुछ उठा के साला बोल दिया चाय ला, उनको कैसे मालूम हमको कौन टाइप चाय चाहिए हमको? यू आर करेक्ट भैया जी, वी गो एंड मेक योर टी इन फ्रंट ऑफ अस। यस भैया जी, बस जूतों का ख्याल रखिएगा, बस दो मिनट में आ जाएंगे, बस दो। ठीक है अरे भैया जी स्लीपी, उठे भैया जी, उठे। ये का कर दिए? का हुआ? का हुआ? जूता गया, कर दिए ना कांड। कब नींद आ रहा है? बोले चाय लेके आओ, काला कर गए थे चाय लाने। सॉरी भैया जी, मैं आती हूँ। सारी भैया जी, भैया कोई चाय वाला कुछ कहाँ है? कहाँ है बे, कहाँ है? हाँ हुजूर, पीछे ही था। बस खुद ही पाँव हिलाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, बिल्कुल साला पीछे मत आइएगा। ये किस लिए? चाय। वो क्या है कि बचपन से ही हमें अकेले खाने पीने की आदत नहीं है। आप यहाँ अकेली थी तो हमें लगा साथ चाय पीते हैं। थैंक यू। चाय के लिए थैंक यू। नहीं नहीं, चाय के लिए नहीं, जूतों के लिए। वो आपने एक्चुअली हमें मजबूर कर दिया जी। आपके चेहरे पर मायूसी हमें हमसे देखी नहीं गई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। लेकिन आपकी सहेलियों का विचार हमारे बारे में वैसा नहीं है। उनको जो सोचना है सोचने दीजिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी लगने लगी हैं और लगती जा रही हैं। वाह क्या बात है, आपके और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप मुझे। एक्चुअली मैं कुछ मत कहिए और बस। अबे इतनी जल्दी पड़ जाएगी ये। अब वर वधु पक्ष के सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ। अभी सात फेरों की तैयारी शुरू की जाए। ये ऐसे दिखाना कि तुमसे चुंदी संभल नहीं रही, तभी तुम्हारा चांस लगेगा। लगनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम। आराम से रखो। चुपचाप मांग में सिंदूरी दल बढ़ता और हम लोग इधर से गायब हो लेंगे तुरंत। क्या बात कर रहे हो, रस्म और रिवाज कोई चीज होती है कि नहीं होती कन्हैया? व्हाट कन्हैया बड़े भैया, रस्म और रिवाज के चक्कर में फंसेंगे तो बहुत मार खाएंगे हम, बहुत मार खाएंगे। पर हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पर हम लड़की वालों को क्या बोलेंगे? अरे बोल दीजिएगा ना, पंडित जी ने कहा है, मुहूर्त निकला है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का घर पहुँचना जरूरी है, बोल दीजिए। नहीं बोलिए आप लोग। कोशिश करता हूँ। ये बात भी सही है, पंडित जी वाली बात उनको समझ आ जाएगी। अब सिंदूर की रस्म होगी। आप अपने बाएं हाथ में सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए और अपने दाहिने हाथ से वधू की मांग में भरिए। भरो भरो। आराम से टीका उठा के टीका लगा, सीधा सीधा लगा। कांप क्यों रहा है? सीधा लगा दे।
हो गया जी सिंदूरदान। भूत नहीं गए? गाड़ी निकाल, निकलेंगे सब लोग। अच्छा जी नमस्कार। अच्छा जी नमस्कार। पर बहन जी इतनी जल्दी कैसे? अभी तो बहुत सी रस्में बाकी हैं। अरे नहीं, यहाँ से जाएंगे तो घर टाइम पे पहुँच जाएंगे ना। हमारे पंडित जी जो है ना वो। फूफा जी कौन पंडित अपना? तू चुप कर। अरे वो हम समझ। पंडित जी ने कहा ना घर टाइम पे पहुँच जाएंगे ना तो शुभ मुहूर्त होता है ना, तो अच्छा काम होता है। चलिए 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 आप लोग। नमस्ते नमस्ते, हमें जाने की इजाजत दे। अरे भाभी आप विदाई की तैयारी कीजिए बस। अरे चलिए, खाना पीना नाश्ता छोले पूरी। अरे भाभी जी एक काम कीजिए, उसको पैक कर। हम लोग रस्ते में, कोई बुरा नहीं मानेगा। हम बुरा मानेंगे? ये नहीं बुरा मानेगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन भाई साहब, अरे ये बुरा मानते तो ऐसा नालायक पैदा करते। अरे मतलब फूफा जी आप मजाक से बाज नहीं आते। ठीक है जल्दी करिए आप लोग। हाँ बस देर हो रही है वैसे ही। हाँ ये रोना रोना तो होता ही रहता है। अब लक्ष्मी को लेकर फटाफट घर चले। सिकंद जी से रखवा दिए, उनसे पूछिए ना। सिकंद जी फूफा साहब रखा हुआ। अरे वो देखिए ना, वो है। अब ध्यान रखिएगा उसका। बिल्कुल, अभी हमारी बेटी है, आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। चलिए नमस्ते। अब अगला पिछला क्या करो, जहाँ जो मिले बैठ जाना। चलो आपका नंबर मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, 9800 9812। एक्चुअली क्या है ना, अगले महीने मेरी शादी है, आपको इनवाइट करना था। आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप आएंगे ना लल्लन अंकल? सुनो अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना। हाँ बिल्कुल अपना ध्यान। अरे आप साथ जाना है क्या? ये ना फिर बड़ा। इधर आओ, आ बड़ा मुदर यहाँ यहाँ बैठ। तुम जाओ तो भेजो उसको, अभी बुलाता हूँ। चाचा चाचा इधर आओ। आप यहाँ बैठो। यार तुम तो मोहब्बत ही कर बैठे टाइप कर लियो यार, क्यों कर रहे हो ये सब यार? फोन देना जरा। क्या हुआ? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तेरे पापा को ही फोन कर रहा हूँ, उठा ले बस। अरे यार शर्मा जी, कन्हैया बोल रहा हूँ। भाई साहब दो दिन, अब कब दो दिन? मैं ही मर जाऊंगा दो दिन में, तो क्या कर लोगे पैसे देके? यार भेजो जल्दी, अब हो गया बोले दे देंगे। और तू तो अच्छा लड़का है यार, कहाँ फंस रहा है इन चीजों में? दो दिन का नाटक था, हो गया। एक्टिंग समझते हो? एक्टिंग करनी थी ना यार, दो दिन का मामला था। हट जाओ अब चुपचाप, मोहब्बत मत करना। मोहब्बत तो नहीं हुआ ना, हट जाओ वहां से। नहीं तो बता रहा हूँ भूतपुरी में घर बस, पूरा खानदान नीलाम करा दूंगा मैं बता रहा हूँ। अच्छे लड़के हो यार, घर पहुँच के पैसे ले लियो। ठीक है, बुरा तो नहीं लगा वो भाई? नहीं लगा जी, बिल्कुल भी नहीं लगा। बड़ा बेशरम है ये यार, बुरा ही नहीं लगता इसको।
सजदे में जिंदगी है, तू सुकून है, तू खुशी है, वाली मेरे हाली मेरे, तू सखा है, तू रहनुमा है, मुझे खुद पे नाज़ो घुमा है, वाली मेरे हाली मेरे। तेरे सजदे में जिंदगी है, तू सुकून है, तू खुशी है, हाली मेरे हाली मेरे, तू सखा है, तू रहनुमा है, मुझे खुद पे नाज़ो घुमा है, हाली मेरे हाली मेरे। कोई हसरत नहीं अधूरी, हर ख्वाहिश हुई है पूरी, हर ख्वाहिश हुई है पूरी, मौला बेकसों का तू ही सहारा, तू ही ना खुदा तू किनारा, तू ही ना खुदा तू किनारा, वाली मौला हाली मेरे हाली मेरे, करम अता कर हाली मेरे हाली मेरे, ना यूं जुदा कर हाली मेरे हाली मेरे, तू मेरा रहवर अली, करम अता कर हाली मेरे हाली मेरे, ना यूं जुदा कर हाली मेरे हाली मेरे, तू मेरा रहवर अली, हाली मेरे हाली मेरे, करम अता कर हाली मेरे हाली मेरे, ना यूं जुदा कर हाली मेरे हाली मेरे। भगवान बचा के रखे मेरी बहू को बुरी नजर से। आओ चाय वाय बनवाओ यार। सुनो बड़ी जल्दी में, ये लो रखो, ट्रैफिक बहुत है, जल्दी चल जाना। और सुनो शादी वाले लड्डू ले जाना थोड़े से, ठीक है? ख्वाबों का सफीना मेरा 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 मेरा, थाम लेना मौला जरा 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 जरा, मौसम ये हक में नहीं 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 नहीं, पल मुश्किलों से है भरा 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 भरा, मैं दरारों से भर चुका हूँ, इस जहान से थक चुका हूँ, इस जहान से थक चुका हूँ मौला, अब समय पहले की बात याद आ गई। अपने भाई का रिश्ता लेकर आई थी मैं तुम्हारे पास, और तुमने उसकी फोटो मेरे मुंह पे फेंक के कहा था कि कौन करेगा इस लंगूर से शादी। अब देखो आज तुम्हारी शादी हो गई, तुम एक नया जीवन शुरू करने वाली हो। भगवान करे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी मजे से गुजरे। अरे शुभकामनाएं है भाई। बाके जी जाइए। हाँ हाँ बाके।
चाहिए आपको? क्या है, क्या हुआ? ये कमरा कैसा लगा आपको? ये सब सजावट मैंने करवाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं बांके, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्राणनाथ, तुम्हारा पति, तुम्हारा किट्टी पाई। वो ना जिसके जिसके साथ तुम्हारे साथ फेरे पड़े थे, वो विराट है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उसका, बहुत अच्छा लड़का है। उसके ना उसके पिताजी पे हमारे चाचा का कर्जा था, तो ये दो दिन दूल्हा बनने की वजह से उसके पिताजी का कर्जा माफ हो गया और उसकी वजह से हमारा तुम्हारा मिलन हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा तुम ये सोच रही हो कि मैं रस्मों में क्यों नहीं था? मैं तो रस्मों में रहना चाहता था, लेकिन वो पंडित, ये दोष, वो दोष, कुंडली दोष, मतलब पूरा जामा फंसा दिया। मैं ना फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन मेंटली रूप से चारों तरफ मैं वहीं घूम रहा था। एक बात बोलूं, अगर सच्ची मुच्ची में मेरे साथ फेरे किसी के साथ पड़े होते ना, तो तब भी तुमसे सुंदर बीवी नहीं पाता। बहुत सुंदर हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। एक मिनट, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, कैसा लगा? पसंद आया? मैं तुम्हें पहना दूं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें हाँ। पता था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम, बाथरूम, आजा 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 आजा, बाथरूम आजा। ये यहीं रख दो। हाँ, हाँ। हाँ। और तुम अच्छे से चेंज कराओ। हाँ। नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। हेलो अंजलि, कहाँ हो तुम? ये आदमी मेरे कमरे में घुसा है और पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी क्या भी आओ और मुझे निकालो यहाँ से, अभी आओ तुम। अंजलि वो मैं, वो क्या कर रहे हो यार, कुछ बोलो। अंजलि वो बाकी ही है और जो कुछ भी कह रहा है ना सब सच है। मैं ये सब कुछ भी नहीं करना चाहता था यार। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरे पापा बहुत मुसीबत में थे और मुझे करना पड़ा। तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अंजलि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं, लेकिन पता है मैंने बताने की कोशिश भी की थी कि मैं विराट हूं। बाकी नहीं, लेकिन नहीं कह पाया यार। अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं यार, तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, खोना नहीं चाहता हूँ। अंजलि खोना नहीं चाहते हो तो यहाँ अकेले छोड़ के क्यों चले गए? कहीं नहीं गया हूं मैं, कहीं जा ही नहीं पाया, यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाहर देखना, ये लोग खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अंजलि मैं ना मानता हूं मैं फ्रॉड हूं, मैं पूरा गलत हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए वो तो सच है ना? वो जो शादी हमने की थी ना वो सच है। और सबसे बड़ा सच है कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अंजलि तुमने मुझसे, मेरे पूरे परिवार से इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। एक मौका दे दो बस। आई लव यू। अंजलि हाँ
तुम ना बहुत अच्छे हो। सच्ची में? सच। और ना मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक काम करें, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ना हम माँ बाबू जी के आशीर्वाद से करते हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो बाहर चले। चलो। हाँ? चलो चलो चलो। अरे रे, संभल के जल्दी चलो। हाँ, बहुत अच्छा है। बाके। हाँ। चलो लुका छुपे खेलते खेलते माँ बाबूजी का आशीर्वाद देते हैं। है ना, मजा आएगा। तो तुम आंखें बंद करो, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना, ठीक है? उसके बाद मैं आंखें बंद करूंगी, तुम छुपना, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब मैं आंखें बंद करता हूँ। मुझे मुझे कूका मार देना। छिप गई? हाँ हाँ छिप गई। इधर हो या? अरे यार मैं पकड़ा गया। चलो मैं फिर से छुपूंगी, तुम फिर से काउंट करो। ठीक ठीक, काउंटिंग। लो। चीटिंग मत करो। और 20 तक गिनना। ठीक। चीटिंग मत करना। हाँ हाँ हाँ। एक दो तीन चार पाँच छः। कितनी प्यारी बहू है। वो देखो उधर, इधर आना, उधर ही पाओ। I love you, mommy. चलो निश्वास। खड़े क्या हो यहाँ? तुम आ गई? चाबी लगी है। किसकी गाड़ी? तुम्हारी गाड़ी? अरे मेरी नहीं है, चाबी लगी। अरे तू किसकी है? अरे चलो। अरे तू चोरी करेंगे क्या? तुम आ गई? चलो। तुम आ गई? तुमसे तुम्हें बात भी निपटती। अच्छा वन सेकेंड, मुझे कुछ निपटाना है, अभी आया। बाकी यार यार ये पेपर मुझे लगता है ये तेरे पास ही रहना चाहिए, ठीक है? बाकी सिर्फ तेरे लिए। हाँ हाँ। सब तेरे लिए किया, ये ले। चले चलो। चाचा, लल्लन भैया आजा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? अंजलि को लेके भाग गया, अंजलि को लेके भाग गया, इधर से लेके भाग गया, ऐसे स्कूटी पे लेके भाग गया। अरे सुन, अरे हमारे साथ खेलिया खेल रही है, इधर से लुका छुपी खेल रही है। अरे बाके, बाके, अरे अरे मेरे बच्चे होश में आ। बाके, बाके, अंदर अंदर चल, अंदर चल मेरे बच्चे, अंदर अंदर चल बेटा। अरे ओके 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 ठीक है यार। अरे तुम चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? पता नहीं कौन सी गलियों में घुसा रहे हो एक तो। अरे तुम्हें बचा के ले जा रहा हूँ यार। तुम बचा रहे हो? अरे मुझे डराना मत करो। मैं नहीं डरा रही हूँ, तुम्हारी गलती है, नहीं बनके आना चाहिए था। अरे किसकी गलती है यार, मुझे क्या पता यार। अभी चलो दूसरी गली में जाओ, वहां चली जाए सीधा दौड़ा दो एकदम। कहां भागोगे, पकड़ो उसको पहले। अच्छा छोटे पकड़ लो, स्लोप आ रहा है। आई डोंट नो। अरे तुम चले गए। चलो
अंजलि आराम से अब क्या करें? बैठो छोड़ देते हैं यार तेज चला लो थोड़ा वरना पकड़े जाएंगे इस बार अरे चला रहा हूँ यार अरे उस गली से नहीं घर के इज्जत का सवाल है बेटा रुक जाओ क्या हुआ क्या हुआ अंजलि क्या कर रही हो यार अरे अंजलि क्या कर रही हो आ रहे वो चलो 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 सारा मानस अबे हम लोग बच गए वो निकल गए बे हम कब बोल रहे हैं हाँ देखिए दुल्हन तो उसी की है ना हाँ तू जान दे बेचारे बांके का क्या होगा बांके बांके सुन 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 तो सही बेटा सुन देख अंजलि ने वरमाला किसके गले में डाली विराट के ना फेरे किसके साथ लिए विराट के साथ भागी किसके साथ विराट के साथ तो उसी की दुल्हन हुई ना हम्म देख बेटा ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है तू चिंता मत कर मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक और लड़की ढूंढ लूंगा बच्चा मेरा बावला कैसे लोग हैं कैसा संजोग है रहना बच्चे के जरा लाइलाज रोग है ये अलग जात है फालतू जज्बात है गौर फरमाइए सारे एक साथ है आड़ी टेढ़ी चाल है कमीना ख्याल है सोच के पतीले में काली पूरी दाल है आगे आगे देखिए ये तो शुरुआत है ऐसी वैसी नहीं ये बाकी की बात